तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का, और टॉपिक है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये वीडियो इस सीरीज़ का फर्स्ट है, यानी कि इस चैप्टर पर हम कई सारे वीडियोस करने वाले हैं और उस सीरीज़ का पहला पार्ट है हमारा ये वीडियो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले हमें एक इमेज देखने को मिलता है, और ये इमेज बनाया गया है एक पेंटर द्वारा जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। और इस चैप्टर में हम इस इमेज में दर्शाए गए डिफरेंट इश्यूज़ को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने एक चार प्रिंट्स की एक सीरीज़ बनाई थी, यानी कि चार पेंटिंग्स की एक सीरीज़ बनाई थी, और जिसका उसने नाम दिया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। सॉरी, नाम नहीं दिया था, मतलब उस इस इमेज में उसने एक वर्ल्ड दर्शाया था जिसमें जो बना हुआ था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स से मिलकर। तो इसमें जो पहला प्रिंट है यहाँ पर दिखाया गया फिगर फर्स्ट में, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो इमेज है ये इस सीरीज का पहला प्रिंट है, और इस इमेज के बारे में हम कुछ बात करेंगे। जो पहला प्रिंट है इस सीरीज का, ये दिखाता है कि यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, जिसमें कि महिलाएं और पुरुष सभी लोग, और महिलाएं और पुरुष सभी एजेस के, यानी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और वो सभी क्लासेस के हैं, यानी कि अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक चेन बनाकर, एक ट्रेन बनाकर आगे चल रहे हैं, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने अपना सर झुका रहे हैं और उसे होमेज प्रदान कर रहे हैं। तो आप अगर याद कर पाएंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में जो लिबर्टी थी, लिबर्टी जो लिबर्टी फीलिंग होती है, उसे जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे वो फीमेल फिगर के रूप में बनाते थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो फीमेल फिगर से अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको समझा दूँ। तो जिस तरह से देखिए हम भारत माता को एक फीमेल फिगर के रूप में मानते हैं या फिर दर्शाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रेंच आर्टिस्ट ने इस लिबर्टी को एक फीमेल फिगर बनाया था जिसे वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, काफ़ी इज्जत देते थे। इसके बाद तो अगर आप इमेज में ध्यान दें तो इमेज में फोरग्राउंड पर सैटर ऑफ रिमन ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, तो जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे उसके रिमेंस जमीन पर पड़े हुए हैं आपके सामने। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अगर आप किताब लेकर अपने सामने नहीं बैठे हुए हैं तो। यहाँ देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स के टुकड़े पड़े हुए हैं जो कि सैटर्ड हो चुके हैं, यानी कि जो क्या कह सकते हैं, गिर चुके हैं या तोड़ दिए गए हैं। इसके बाद तो एब्सोल्यूटिस्ट का हो सकता है कि आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा हो, ये मैं आपको समझा देता हूँ। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल डैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री द टर्न प्रेफर्स टू फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट डैट वॉज सेंट्रलाइज मिलिट्राइज एंड रिप्रेसिव। सो एब्सोल्यूटिस्ट का सिंपल मतलब होता है कि वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, वो जिस तरह से चाहे उस तरह से रूल करे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिए इन सोरियोस यूटोपियन विजन, तो यहाँ पर यूटोपियन विजन क्या हो गया, तो यूटोपियन का विजन मतलब यूटोपियन का मतलब सीधा सीधी ये होता है अ विजन ऑफ सोसाइटी डैट इज सो आइडियल डैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। तो देखिए इस तरह का विजन, इतना क्या कहते हैं, इतना आइडियल विजन जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, वो मेरे ख्याल से का मतलब इसका एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये यूटोपियन विजन कैसे हो गया, आज तो यूरोप के ज़्यादातर नेशन जो हैं वो डेमोक्रेटिक है। तो ये उस समय के व्यूज़ के अनुसार बनाया गया, यानी उस समय में वैसा थोड़ी नहीं लगता था कि जो आगे चलकर सभी देश हैं वो डेमोक्रेटिक हो जाएंगे। उस समय के अनुसार ये एक यूटोपियन विज़न है, और इस
विजन में जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, वो ग्रुप्ड हैं यानी कि समूह में हैं, अलग अलग देशों के समूह में, और उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके फ्लैग्स के माध्यम से या फिर उनके नेशनल कॉस्ट्यूम के माध्यम से। तो इस प्रोसेशन को लीड कौन कर रहा है? इस प्रोसेशन को लीड कर रहा है जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। तो इस उसका रीज़न यह है कि ये जो दोनों जो देश थे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स, ये उस समय तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे। नेशन स्टेट क्या होता है इसको हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसके बाद फ्रांस, इन दोनों के बाद है फ्रांस, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर। तो फ्रांस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप जो रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो कि अभी अभी स्टैचू के पास पहुंचा है, यानी कि वो आपके स्विट्जरलैंड और यूएसए के पीछे है। और इसके बाद जर्मनी के लोग हैं जो कि फ्रांस के पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग को पकड़ा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस समय सोरियो ने इस इमेज को बनाया था, उस समय तक जो जर्मन लोग थे वो एक जर्मनी नाम के देश के अंदर रहते भी नहीं थे। उस समय तक जो जर्मनी थी वो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, जैसे कि 1947 से पहले इंडिया जो थी वो कई सारे प्रिंसली स्टेट्स में थी और ब्रिटिश कंट्रोल में थी। बिल्कुल उसी तरीके से जो जर्मनी थी वो कई सारे छोटे छोटे देशों में बटी हुई थी और वो एक जर्मनी आइडेंटिटी के रूप में नहीं थी। और जो फ्लैग वो कैरी कर रहे हैं वो एक उनके होप्स को, लिबरल होप को दर्शाता है। 1848 में जो लोग चाहते थे कि जो बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग जो देश हैं या फिर स्टेट हैं उनको मिलाकर एक नेशन स्टेट बनाया जाए जिसका शासन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले। तो इसके बाद जर्मन पीपल के बाद ऑस्ट्रिया के लोग हैं, टू सिलिसिस किंगडम के लोग हैं, लोम्बार्डी के लोग हैं, पोलैंड के, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो इसके बाद ऊपर से यानी हेवन से जो क्राइस्ट है भगवान वो देख रहे हैं, सभी संत देख रहे हैं और जितने भी एंजल्स हैं वो सभी इन लोगों के ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं। इन सभी जो ये प्रोसेशन चल रहा है इसके ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी एमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको इस यानी कि जो भगवान है उनको ये दर्शाने के लिए यूज़ किया गया कि देखिए जो फ्रेटर्निटी है सभी देशों के बीच में वो कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितनी अच्छी है। तो यहाँ देखिए व्हाट इज़ अ नेशन, तो अर्नेस्ट रेनन एक बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। अगर इस चीज़ को आपको पढ़ेंगे तो व्हाट इज़ अ नेशन ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो उतना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, केवल आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, तो उसके लिए आप खुद से उसे पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर में सिंपली हम पढ़ने वाले हैं वैसे इश्यूज़ को जो कि इस इमेज में सॉरी द्वारा दर्शाए गए हैं। 19th century में जो नेशनलिज्म थी वो एक फोर्स बनकर उभरी जिसने सभी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस लाए पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में, यूरोप के यानी यूरोप के जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम था या फिर मेंटल स्थिति थी उसको काफ़ी हद तक बदल दिया था। तो इसका परिणाम ये निकला कि जो कंट्रीज़ थे वो अब कोई स्टेट या फिर कोई राज्य या फिर कोई डायनेस्टी बनकर नहीं रहे। इस यहाँ से एक नेशन स्टेट का इमर्जेंस हुआ इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। तो यहाँ पर मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। तो देखिए जो नेपोलियन था वो फ्रेंच था, उसने जर्मनी को कैप्चर किया था और दूसरे बहुत सारे देशों को कैप्चर किया था। तो क्या उसने अपने फ्रेंच आइडेंटिटी को छोड़ दिया था? नहीं। क्या जर्मन लोगों ने जिसको उसने कैप्चर किया था उन्होंने अपने जर्मन आइडेंटिटी को छोड़ दिया था? नहीं। उसी तरीके से दूसरे रीजन के लोगों ने क्या फ्रेंच आइडेंटिटी अपना लिया था? नहीं। वो सभी अपने अपने आइडेंटिटी पर थे, यानी जो जर्मन था वो जर्मन था, जो ऑस्ट्रियन था वो ऑस्ट्रियन था, जो फ्रेंच था वो फ्रेंच था। तो इस तरह से वो जो अलग अलग स्टेट्स थे वो अलग अलग नेशन हो गए। तो इस तरह से जो नेपोलियन का साम्राज्य है वो क्या हुआ? मल्टीनेशनल डायनेस्टी हुआ, डायनेस्टिक एम्पायर हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी और मेंटल सिचुएशन थी, इस तरह की चीज़ें हट गई थी और उसके जगह पर नेशन स्टेट सामने आ चुका था। नेशन स्टेट और जो कंसेप्ट है और प्रैक्टिस है मॉडर्न स्टेट का, जहां पर सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज किया जाएगा सॉवरेन कंट्रोल और एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर। और ये काफ़ी दिनों से
डेवलप हो रही थी, लेकिन जो नेशन स्टेट था वो जहाँ पर नेशन स्टेट का मीनिंग यहाँ पर हम सिंपली समझ लेते हैं, नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। तो देखिए, नेशन स्टेट एक तरह का आइडेंटिटी थी जिसमें कि वहाँ के केवल रूलर नहीं, वहाँ के सिटीजन भी एक उनके अंदर एक भावना आती थी कॉमन आइडेंटिटी की, यानी कि मैं फ्रेंच हूँ तो तुम भी फ्रेंच हो, तो वो भी फ्रेंच है तो यहाँ का रूलर भी फ्रेंच है, इस तरह से, यानी कि मैं इंडियन हूँ तो आप भी इंडियन है, कोई दूसरा व्यक्ति भी इंडियन है इंडिया में रहने वाला, और यहाँ का जो राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है वो भी इंडियन है। तो ये एक तरह का नेशन स्टेट का आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। Came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles, through the action of leaders and common people. तो देखिए, ऐसा नहीं था कि ये तुरंत ही लोगों के दिमाग में ये आइडिया आ चुका था, ये लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद और लीडर्स के बहुत सारे एक्शन के बाद और कॉमन पीपल के बहुत सारे एक्शन के बाद। तो ये जो चैप्टर है ये विल ये देखेगा आपके बहुत सारे डाइवर्स प्रोसेस को जिसने आगे चलकर नेशन स्टेट और नेशनलिज्म को आगे चलकर बढ़ावा दिया, और नेशन स्टेट और नेशनलिज्म यूरोप में 19th century में सामने आए। तो आगे अब हम बढ़ते हैं, आगे क्या हमें पढ़ना है देख लेते हैं। यहाँ पर खत्म होता है और इसके बाद हमारा पहला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इस टाइप हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत की गई है, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले लिखा गया द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। देखिए, जो फर्स्ट आइडिया था या फिर फर्स्ट भावना थी नेशनलिज्म की, वो सबसे पहले आई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ 1789 में। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट। जो फ्रांस था, अगर आप पिछले साल का याद होगा क्लास 9th का, तो उस समय वो एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था। 1789 तक वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, यानी कि वहाँ पर राजतंत्र चलता था, जहाँ पर राजतंत्र के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। द पोलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस डैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन लेड टू ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। देखिए, जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, उसने सॉवरेनिटी को ट्रांसफ़र कर दिया मोनार्की के हाथों में से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक बॉडी के हाथों में, यानी कि पूरी सत्ता को पहले मोनार्की चलाती थी, लेकिन अब फ्रेंच सिटीजन द्वारा चुनी गई एक बॉडी पूरी सत्ता को चलाएगी, सभी चीज़ों को कंट्रोल करेगी। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम डैट इट वॉज द पीपुल हु वुड हेंस फोर्थ कंस्टिट्यूट द नेशन एंड सेप इट्स डेस्टिनी। तो देखिए, जो रिवॉल्यूशन था उससे ये भावना सामने आई, या फिर उसने ये भावना सामने रखा कि देखिए, अंत में जो लोग हैं वो इस देश को चलाएंगे और इस देश की आगे की डेस्टिनी को तय करेंगे। वो कैसे? क्योंकि जो बॉडी थी उसे पीपुल चुनते हैं और पीपुल भी उन्हीं में से चुने हुए लोग आगे चलकर रूल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो देखिए, किसी भी देश को एक आइडेंटिटी के रूप में सोचने के लिए सबसे पहले उसे एक आइडेंटिटी जरूरी चाहिए। जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम आइडेंटिटी लेकर चलते हैं इंडियन, लेकिन अगर रियलिटी में हम देखें तो हम अलग अलग स्टेट से आते हैं। कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई केरल से आता है, कोई आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आता है, कोई आपको जम्मू कश्मीर से आता है। तो इनके बीच में एक इक्वल आइडेंटिटी होनी चाहिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, ताकि वो एक साथ सोच सके और एक ग्रुप में रह सके। बिल्कुल उस तरीके से जो फ्रांस के लोग थे जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अगर हमें एक देश को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी चाहिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बीच, फ्रेंच पीपल के बीच में, ताकि वो एक ग्रुप में होकर सोच सके, एक दूसरे का अपना मान सके एक दूसरे को। तो इसलिए उन्होंने ला पैट्री, यानी कि द फादरलैंड, और ली सितोएन, द सिटीजन की के आइडिया को सामने रखा। तो इसका क्या मतलब हुआ ला पैट्री? जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो हम भारत माता की बात करते हैं, तो भारत माता हम मानते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो हमारी माँ है। बिल्कुल उसी तरीके से जो फ्रेंच के रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने
फ्रांस को अपना पिता कहा, यानी जो हमारा देश है फ्रांस, वो फादरलैंड है हमारे लिए, ला पैत्री उसे कहा जाता है। और हम सब क्या हैं, हम लिसितोयन हैं, हम इस कंट्री के सिटीजन हैं। और इस चीज़ को इम्फेसाइज इसलिए किया गया ताकि एक यूनाइटेड कम्युनिटी की भावना आ सके लोगों के बीच में, जहां पर सभी लोग इक्वल राइट्स, यानी बराबर राइट्स, बराबर अधिकार को क्या कहते हैं, फॉलो करते हैं, या फिर उन्हें मिला हुआ है बराबर अधिकार। और ये दिया गया है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई एक राजा है जिसने सभी लोगों को कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, उस तरह से नहीं। सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं, उन्हें इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, और वो एक यूनाइटेड कम्युनिटी में रहते हैं। और वो क्या है, वो कंट्री के सिटीजन है, और कंट्री क्या है, उनकी उनका फादरलैंड है। और इसके बाद, इसके साथ ही एक नया फ्रेंच फ्लैग, द ट्राइकलर, फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर, यानी कि फ्रेंच फ्लैग जो था वो 3 कलरों में था, इसे चूज़ किया गया रिप्लेस करने के लिए, जो पुराना रॉयल फ्लैग था उसको रिप्लेस करने के लिए। और इसके बाद, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली। और इसके बाद नए हाइम्स बनाए गए, यानी कि नए गाने लिखे गए, नए पोएम्स लिखे गए, क्या कहते हैं, ओथ लिए गए, यानी क्या कहते हैं, हम वादे कर सकते हैं, और एंड मैट्रीज कमेमोरेटेड, कमेमोरेटेड शायद मैं यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ रहा हूँ, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। तो ये सभी चीज़ें क्यों की गई? ताकि देश का एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना आ सके। तो क्या क्या किया गया? पहले, सबसे पहले फादरलैंड और सिटीजन का आइडियोलॉजी सामने रखा गया कि देश हमारा फादरलैंड है और हम सभी वहाँ के सिटीजन हैं। इसके बाद नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, ट्राई कलर उसका नाम था, और जिसने रॉयल फ्लैग को रिमूव किया। इसके बाद एक स्टेट जनरल बनाया गया, जहां पर जो लीडर्स थे वो एक्टिव सिटीजन के बॉडी द्वारा चुने गए थे, और इसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। इसके बाद नए नए गाने बनाए गए, सभी लोगों ने ओथ लिए, और जितने भी मैट्रिज थे उनको कमेमोरेटेड किया गया, और ये सभी चीज़ें की गई देश के नाम पर, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। इसके बाद और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। इसके बाद एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, और इसने यूनिफॉर्म लॉज बनाए सभी सिटीजन्स के लिए जो कि उसके टेरिटोरी में रहते थे, यानी कि सभी सिटीजन अब इक्वल होंगे, उनके ऊपर बराबर अधिक नियम कानून लागू होंगे, और ये सभी जो सरकार है उसके द्वारा लागू किए जाएंगे। लेकिन जो पहले मोनार्की थी उसमें ऐसा नहीं होता था, कुछ लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, कुछ लोगों को कम अहमियत दी जाती थी, और ये चीज़ें भी इसलिए की गई ताकि लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना आ सके। और इसके बाद कई और चीज़ें की गई, जैसे इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज़ थी उन्हें एबोलिश कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ क्या? तो देखिए, जो फ्रांस था उसमें कई सारे पार्ट्स थे, वहाँ पर अलग अलग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए कस्टम ड्यूटीज़ लगते थे, और इन सभी को रिमूव कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। और इसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को एडॉप्ट किया गया। तो अगर आपने क्लास 9th फ्रेंच रिवोल्यूशन का पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग वेट और मेजर्स को यूज़ किया जाता था, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए कस्टम ड्यूटीज देने पड़ते थे। ये सभी चीज़ें आप क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं, अभी भी जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस वाज बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो देखिए, ये भी बात थी कि फ्रांस जो था उसमें अलग अलग लैंग्वेज यूज़ किए जाते थे, और अलग अलग एक लैंग्वेज में भी कई तरह के बोलचाल होते थे। उन सभी को डिस्करेज किया गया, यानी उन्हें दबाने की कोशिश की गई, और फ्रेंच जो कि पेरिस के आसपास बोली जाती थी उसे नेशनल लैंग्वेज बनाया गया और नेशन का कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। तो ये सभी चीज़ें की गई ताकि लोगों में कॉमन आइडेंटिटी आ सके, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। तो यहाँ आप चाहें तो इसे लिस्ट के रूप में बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आपको आंसर करना आसान होगा। तो क्या, यहाँ पर देखिए, पहला क्या है, पहला यहाँ पर द फादर लैंड और द सिटीजन, इसके बाद दूसरा यहाँ पर फ्रेंच फ्लैग, और तीसरा क्या, स्टेट जनरल जिसका नाम क्या रखा गया, नेशनल असेंबली। उसके बाद चौथा क्या, गाने बनाए गए और टेके ओथ लिए गए। और इसके बाद पांचवा क्या, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया।
जिसने सभी के लिए बराबर अधिकार रखे। छठा किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटा दिए गए और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर एडॉप्ट किए गए। सातवां का रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज किए गए और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। नेशनल लैंग्वेज नहीं कह सकते, उसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेंच में कॉमन आइडेंटिटी लाने के लिए क्या किया गया, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसे टिक लगा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर डैट इट वॉज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। तो देखिए, जो रिवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने रिवोल्यूशन किया था और फ्रांस को एक क्या कहते हैं नेशन स्टेट बनाया था, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये उनका मिशन है, या फिर फ्रांस के लोगों का मिशन है और उनकी डेस्टिनी है कि वो यूरोप के जो दूसरे देश हैं उनको राजतंत्र से मुक्त कराएं, डेस्पोटिज्म से मुक्त कराएं और उनको नेशन बनने में मदद करें। जैसे फ्रेंच जो है वो जर्मनी को मदद करेगा या फिर दूसरे देशों को मदद करेगा ताकि वो एक नेशन स्टेट बन सके। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland, much of Italy in 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो देखिए, जो आइडिया थी, जो इवेंट्स हुए फ्रांस में, उनके बारे में जानकारी जब यूरोप के दूसरे शहरों में पहुंची, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। अब जैकोबिन क्लब्स क्या होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी या फिर उनके जो कैंपेन थे, वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी बने उनका भी देश, लेकिन जो उनकी एक्टिविटीज़ थी और उनके जो कैंपेन्स थे, उन्हें फ्रेंच आर्मीज़ को मदद की ताकि वो कब्जा कर सकें दूसरे देशों को। जैसे उन्होंने हॉलैंड को कब्जा कर लिया फ्रेंच आर्मी ने, बेल्जियम पर अटैक कर दिया, स्विट्ज़रलैंड पर अटैक किया और इटली के ज़्यादातर हिस्सों को कब्जा कर लिया था 1790s के दौरान में। और इसके साथ ही जो रिवोल्यूशनरी वार शुरू हुए, जो फ्रेंच आर्मीज थी, उन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया दूसरे देशों में पहुंचाया और वो अपने साथ ले गए और वहां के लोगों को इस बात की जानकारी हुई। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहां देखिए इमेज उस समय का 1815 में क्या इमेज था, क्या स्थिति यूरोप की, उसको यहां पर दिखाया गया है। तो ये क्यों दिखाया गया, इसको हम आगे देख लेंगे। इसका रीज़न ये है कि नेपोलियन 1814 में हार गया था, इसके बाद वियना की संधि हुई थी, उसके बाद का ये इमेज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी डेट केम अंडर हिज कंट्रोल, सॉरी यहाँ पर लगता है कुछ छूट गया है। नहीं, यहीं से आगे बढ़ते हैं हम। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी डेट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th के चैप्टर 1 में। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 1804 में उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया था फ्रांस के, और जो वहाँ पर जो क्या कहते हैं नेशनल असेंबली थी, उसे भंग कर दिया और लोगों द्वारा चुने जाने की जो प्रोसेस थी, यानी जो डेमोक्रेसी थी, उसे समाप्त कर दिया। और जब वो सत्ता में आया तो उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे फ्रांस में। उसको फिर जब उसने दूसरे टेरिटरीज को कब्जा किया यूरोप के, तो वहाँ पर भी लागू किया। दो अ रिटर्न ऑफ मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैज इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। तो देखिए, मोनार्की वापस आने से, यानी कि नेपोलियन के राजा बन जाने से, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि फ्रांस में जो डेमोक्रेसी थी वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो वहाँ पर उसने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाए थे ताकि जो पूरा सिस्टम है वो ज़्यादा रैशनल बन सके और ज़्यादा एफिशियंट बन सके और ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सके। तो देखिए, जो सिविल कोड ऑफ 1804 क्या सिविल कोड ऑफ
1804, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप पढ़ लें, इसे याद कर लें, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, जिसे कि कहा जाता है नेपोलियन कोड। 18 सिविल कोड ऑफ 1804 को क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड। तो देखिए, इसमें इस कोड के अनुसार जितने भी प्रिविलेजेस प्राप्त थे लोगों को बर्थ के आधार पर, और उसे छीन लिया गया, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, इस तरह का सिस्टम उसने लागू किया, और राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार को उसने क्या कह सकते हैं, सिक्योर किया यानी कि लागू किया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो देखिए, इस चीज़ को लागू करने के बाद फ्रेंच कंट्रोल में जितने एरियाज थे यानी फ्रांस के अलावा, वहाँ पर भी एक्सपोर्ट किया गया और वहाँ पर भी इन चीज़ों को लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबोल्यूश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीज, मैं इसे नीचे कर देता हूँ, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एबोल्यूश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पेजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूटी ड्यूज इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड पेजेंट आर्टिशन वर्कर्स न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड आवर न्यू फाउंड फ्रीडम। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, जो रिफॉर्म्स उसने किए थे आपके फ्रांस में, उसको फिर आगे चलकर दूसरे देशों में भी लागू किया जहाँ पर फ्रेंच लोगों का कब्जा था। तो वहाँ पर जैसे कि जर्मनी, इटली, डच, स्विट्जरलैंड में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को ज़्यादा सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, और पेजेंट्स को सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज से रिमूव कर दिया, यानी कि पेजेंट्स को कुछ पैसे देने होते थे सरकार को या फिर लोगों को, उसको उसने ख़त्म कर दिया। टाउन्स में जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे उसको रिमूव कर दिया, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया, और इसके बाद पेजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर जो और जो जितने बिजनेसमैन थे वो इस आज़ादी से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और उन्हें लग रहा था कि उन्हें अब बहुत ही ज़्यादा आज़ादी मिल चुकी है। तो इसके बाद बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जितने भी बिजनेसमैन थे और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे किसी भी प्रोडक्ट के, उन्हें यह समझ आ गया कि देखिए, जो यूनिफॉर्म लॉज हैं, स्टैंडर्ड वेट्स हैं और मेजर्स और नेशनल, एक कॉमन नेशनल करेंसी, उन्हें प्रोडक्ट को एक जगह से मूव कराने में और एक्सचेंज करने में यानी कि बेचने में या फिर खरीदने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी एक रीजन से दूसरे रीजन में इन चीज़ों की वजह से। हाउएवर, इन द एरिया कंकर्ड द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड। तो लेकिन जिन एरियाज को फ्रेंच लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था नेपोलियन के रूल में, वहाँ पर जो लोगों का क्या कहते हैं भावनाएं थी वो मिक्स थी, यानी उनके जो रिएक्शन थे वो मिक्स थे। इनिशियली बहुत सारे लोगों पर, जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में और ब्रुसेल एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान एंड वर्सा, जो फ्रेंच आर्मीज थी उन्हें वेलकम किया गया एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी के क्या कहते हैं प्रोवाइड कराने वाले लोगों के रूप में उन्हें स्वागत किया गया। लेकिन जो इनिशियल एंथुसियाज्म था यानी फ्रेंच लोगों के प्रति उनकी जो आस्था थी या फिर भावनाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा उन बिल्कुल उल्टी हो गई, बिल्कुल विरोध हो गई। उसका रीज़न ये था कि ये बहुत ही जल्दी क्लियर हो गया कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए हैं या फिर अरेंजमेंट किए गए हैं ये डिड नॉट गो इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। देखिए, जो नए एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीमेंट या फिर फ्रीडम लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ में नहीं आती है। इसके साथ ही टैक्स जो था उसे इंक्रीज कर दिया गया, सेंसरशिप लागू कर दी गई, और इसके बाद फोर्स कंस्प्रिक्शन इंटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप ऑल सिम टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो देखिए, तो लोगों को ये लगने लगा कि देखिए, हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे मिल रहे हैं वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं आते हैं,
उसका रीज़न यह है कि टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, सेंसरशिप लोगों पर लगा दी गई, कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता है अपनी मर्जी के अनुसार, और इसके फ्रेंच आर्मीज जो थी उसमें ज़बरदस्ती भर्ती की जाने लगी क्योंकि पूरे यूरोप को कब्जा करना बाकी था और दूसरे जगहों पर जो युद्ध लड़ा था लड़ा जा रहा था वहाँ पर भेजने के लिए। तो ये सभी जो चीज़ थी वो दूसरे तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस दी जा रही थी या फिर एडवांटेज हो रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से, उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भारी लग रही थी और लोग इससे उतने ज़्यादा खुश नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए नेपोलियन को दिखाया गया है। नेपोलियन जो है वो अपने ये जो चिट्ठियाँ उसके पीठ से गिर रही हैं वो कुछ रीजन्स के नाम है जिन रीजन्स को वो हार चुका है युद्ध में और वो अब उन पर उसका अधिकार नहीं है। तो यहाँ देखिए टॉपिक नंबर सेकंड है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर और टॉपिक है हमारा सेकंड। इसके पहले इंट्रोडक्शन और फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था पिछले दोनों वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए अगर आप मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप को देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी आपको नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि आज हम देखते हैं। मिड 18th सेंचुरी यानी करीब 1750-60 के आसपास, इस समय के मैप को आप देखेंगे तो आज जिस तरह से आप जर्मनी, फ्रांस या फिर दूसरे देशों के नाम जानते हैं वैसा कोई देश उस समय मौजूद था ही नहीं। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। तो देखिए आज जिस देश को हम नाम जर्मनी या फिर इटली या फिर स्विट्जरलैंड नाम से जानते हैं वो उस समय में किंगडम्स में डिवाइडेड थे, कई राज्यों में डिवाइडेड थे, एम्पायर्स में डिवाइडेड थे। उसमें से कुछ डचीज और कैंटन्स जो थे वो रूल करते थे अपने ऑटोनोमस टेरिटरीज पर, यानी उन कोई राजा है उसने एक स्पेसिफिक एरिया पर कब्जा कर लिया तो वो उसका एरिया हो गया, दूसरे राजा ने फिर इसके आधे रीजन्स को कब्जा कर लिया और अपना एक बड़ा रीजन बना लिया तो वो उसका रीजन हो गया, तो इस तरह से चलता रहता था। तो देखिए इसके बाद ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वो डिवाइडेड था ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज में विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। तो ऐसा नहीं था कि वहाँ जो टेरिटरीज थी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंदर उसके अंदर सिर्फ एक तरह के लोग रहते थे और एक भाषा बोलते थे, ऐसा नहीं था। कोई मोनार्क है अगर वो फ्रांस का रहने वाला है और उसने फिर जाकर जर्मनी को अगर कैप्चर कर लिया आधे जर्मनी को तो वो तो उसका राज्य हो गया बड़ा सा जिसमें फ्रांस और आधा जर्मनी मिला हुआ है, लेकिन इसके जो लोग हैं उनके कल्चर अलग हैं, उनके लैंग्वेज अलग हैं, सभी चीज़ें अलग अलग हैं। तो वैसा ही जनरली होता था मोनार्कीज़ के अंदर, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ के अंदर, और इसके अंदर जो रहने वाले लोग थे वो एक तरह का कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे इस एम्पायर की मैंने बात की, एक राजा है जिसका कुछ हिस्सा राज्य का फ्रांस में, कुछ हिस्सा जर्मन में है, जर्मनी में, तो ये लोग फ्रांस रीजन के रहने वाले लोग फ्रेंच बोलेंगे, उनका अलग पहनावा होगा, उनका अलग खाने पीने का तरीका होगा, यानी कल्चर अलग होगा, और इस जर्मन इलाके में रहने वाले लोगों का भी कल्चर अलग होगा। तो इसी तरीके से जो लोग रहने वाले लोग थे यानी इस रीजन के रहने वाले लोग खुद को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे और इस रीजन में रहने वाले लोग खुद को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, यही चीज़ होता ही था कि लोग जो थे वो अपने खुद को एक स्पेसिफिक ग्रुप का मेंबर मानते थे, वो खुद को किसी देश का नागरिक नहीं मानते थे कि मैं फ्रांस का नागरिक हूँ या फिर इस देश का नागरिक हूँ, वैसा कुछ नहीं होता था क्योंकि वहाँ पर देश नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। कोई रूलर आया उसने कब्जा कर लिया तो उसका देश हो गया, दूसरा रूलर आया उसने कब्जा कर लिया तो उसका देश हो गया, तो वो खुद को कॉमन कल्चर या फिर कलेक्टिव आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं मानते थे। और जनरली बात यह थी कि ज़्यादातर उसमें जो लोग थे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप से आते थे, यानी कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, कोई हिंदुज्म को फॉलो करता है, कोई बुद्धिज्म को फॉलो करता है, इस तरह से। और इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं हम हैब्सबर्ग एम्पायर का। हैब्सबर्ग एम्पायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है। हैब्सबर्ग एम्पायर, द हैब्सबर्ग एम्पायर डैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था कहाँ पे, ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन में। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो था हैब्सबर्ग एम्पायर ये बहुत सारे तरह के रीजन्स को मिलकर बना था और बहुत तरह के लोगों से मिलकर बना हुआ था, जैसे कि वो इंक्लूड करता था अल्पाइन रीजन को इंक्लूड करता था, टायरोल, ऑस्ट्रिया और सडर्न लैंड को भी इंक्लूड करता था। इसके साथ साथ बोहेमिया जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी ये जनरली जर्मन स्पीकिंग होती थी, प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग होती थी,
इट ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। तो देखिए इन ये सभी चीज़ें बताई गई कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो किन किन रीजन से मिलकर बना हुआ था। तो ये सभी चीज़ें जो है ये ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस बताई गई कि देखिए ये जो सभी रीजन जो है ये एक दूसरे से अलग है, यानी कि आपका अल्पाइन रीजन अलग है बोहेमिया रीजन से, और आपका बोहेमिया जो है वो वेनेटिया से अलग है क्योंकि इसके लैंग्वेजेस अलग हैं, लोगों के कल्चर अलग है, और भी बहुत तरह के अंतर हैं इन लोगों के बीच में। तो इसके बाद अगर हम हंगरी की बात करें तो आधी जो पॉपुलेशन थी वो मैग्यार बोलती थी और आधी जो पॉपुलेशन थी वो दूसरे लैंग्वेजेस में बात करती थी। वहीं गैलेशिया की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी के लोग जो थे वो पॉलिश बोलते थे। और इसके इन तीन डोमिनेंट ग्रुप्स की बात, यानी यहाँ पर तीन डोमिनेंट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, यानी ये लोग कहाँ के थे, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर में आते थे। इन तीन डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा बहुत तरह के लोग रहते थे एम्पायर के बाउंड्रीज के अंदर, उसमें से ज़्यादातर जो लोग थे वो पेजेंट्स थे यानी कि किसान थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बोहेमियन और स्लोक्स जो थे वो नॉर्थ रीजन में, स्लोवेंस कार्नियोला रीजन में, क्रोट्स साउथ में, और रोमन्स ट्रांसिल्वेनिया के ईस्ट रीजन में। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस थे वो लोगों में एक तरह का पॉलिटिकल ड्यूटी क्रिएट नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जहाँ पर लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से उनका कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से कोई उनको मतलब ही नहीं है, वहाँ पर लोग एक देश के नागरिक होने का कैसे सोचेंगे। उस समय में कोई ऐसा नेशन स्टेट की थ्योरी भी नहीं थी, और आज वो इस कंट्री में हैं, कल आएगा कोई दूसरा रूलर, उसने इस रीजन को कैप्चर कर लिया तो वो इस देश में आ गए। तो इस तरह से वो किस तरह से किस देश के नागरिक खुद को माने, तो इस तरह की एक बेसिक प्रॉब्लम थी। इसके बाद तो आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर लोग खुद को कैसे मानेंगे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, या फिर पॉलिटिकली वो यूनाइट होंगे। तो देखिए एक सिर्फ एक चीज़ था जो उनको एक दूसरे से बांध कर रखती थी इन डाइवर्स कंडीशन में भी, इन डाइवर्स ग्रुप को, वो थी कि वो उनका जो इम्परर यानी कि रूलर था वो एक था, यानी उसका कंट्रोल जर्मन रीजन में भी था, उसका कंट्रोल फ्रेंच रीजन में भी था, उसका कंट्रोल ऑस्ट्रियन रीजन में भी था। इसलिए वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे, एक दूसरे के साथ उनका लगाव था। तो अब यहाँ सवाल उठता है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो यहाँ पर स्थिति आपने देखी कि करीब 1750, 1760, 1800 तक स्थिति क्या थी। तो अब यहाँ बेसिक सवाल ये उठता है कि देखिए अब ये नेशन स्टेट का आइडिया आया कहाँ से, यानी कि ऐसा देश जहाँ पर लोग जो है वो कॉमन कल्चर शेयर करें, कॉमन उनकी आइडेंटिटी हो, उनके जो कॉमन हिस्ट्री है वो कॉमन हो, वैसा नेशन स्टेट किस तरह से निर्माण हो, उसका आइडिया कहाँ से आया। तो इसके लिए हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 2.1, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो देखिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट की हम किस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यूरोप की। अगर हम यूरोप की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी यानी जो कुलीन वर्ग था उसके लोग जो थे वो डोमिनेंट क्लास थे पूरी तरह से, और इस पूरे ग्रुप के यानी जो डोमिनेंट क्लास था एरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर्स थे वो जनरली एक दूसरे से यूनाइटेड थे। और उसका रीज़न ये था कि उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल एक जैसा ही था, वो कोई क्या कहते हैं एरिस्टोक्रेसी इस रीजन में रूल करता है तो कोई इसमें पावरफुल है, कोई इधर पावरफुल है, इस तरह की चीज़ें थी। और इसके अलावा दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। तो देखिए वो लोग जो थे वो देहाती इलाकों में भी कुछ रीजन्स को कैप्चर किए हुए थे, यानी उनके अधिकार में था, और उनके पास टाउन हाउसेस भी हुआ करते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाइबर न्यूमरिकली अ स्मॉल ग्रुप। तो देखिए वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे डिप्लोमेसी करने के लिए और हाई सोसाइटी में बात करने के लिए। उनके जितने भी फैमिलीज थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे शादी के अनुसार, यानी इसकी बेटी उसके घर शादी हुई है, उसकी बहन की शादी उसके घर हुई है, इस तरह के मैरिजेस कनेक्शंस एक दूसरे से वो जुड़े हुए थे। और ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी ग्रुप था ये न्यूमेरिकली अगर संख्या बल की बात करें तो बहुत ही छोटा सा ग्रुप था, ज़्यादा संख्या नहीं थी इसके मेंबर्स की।
और यहाँ पर बात यह है कि जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, यानी कि करीब आपका 80% 90% पॉपुलेशन, वो खेती पर डिपेंडेंट थी और किसानी का काम करती थी, पेजेंट्री का काम करती थी। अगर हम वेस्ट की बात करें तो बल्क ऑफ द लैंड वेयर फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स। तो वेस्ट रीजन में जो किसान होते हैं, जो भाड़े पर ज़मीन लेकर किसानी करते हैं, या फिर जिनके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन होती है, उस तरह के किसानों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। वहीं अगर हम ईस्टर्न रीजन की बात करें और सेंट्रल यूरोप की बात करें, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट विच वेयर कल्टिवेटेड बाय सर्ब्स। तो अगर हम ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन की बात करते हैं वहाँ पर लैंड होल्डिंग के पैटर्न की, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो आपकी स्टेट्स में बटी हुई थी, यानी कि जागीर में बटी हुई थी, और इस पर भूदास जो होते थे, भूदास वो खेती किया करते थे इन ज़मीनों पर। तो इस तरह की सिचुएशन थी यूरोप में उस समय में सोसाइटी की। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लास होज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ग्रोथ का और ट्रेड का सीधा साधा मतलब होता था ग्रोथ ऑफ टाउन, यानी शहरों का विकास और एक नया कॉमर्शियल क्लास बनना, जिसका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से बेस्ड था प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, यानी कि वो मार्केट के लिए सामान का निर्माण करते थे, उसी पर उनका पूरा एग्जिस्टेंस बसा हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के हाफ में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था 18th सेंचुरी की, यानी करीब 1750 से करीब 1740 से ले सकते हैं 1740 से लेकर 1760-65 के आसपास, इस रीजन में आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। लेकिन अगर हम फ्रांस की बात करें और जर्मनी स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो 19th सेंचुरी में हुआ था, यानी 1800 ईस्वी के बाद। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। इस वजह से बहुत सारे नए सोशल ग्रुप्स सामने आ गए, एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आ गया, एक नया मिडिल क्लास आ गया जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल जिसमें कि शामिल थे। अगर हम सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ पर ये ग्रुप जो थे ये स्मॉलर थे, बहुत ही कम संख्या में थे 19th सेंचुरी तक, यानी 1890-1880 तक ये बहुत ही स्मॉल संख्या में थे। इट वॉज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस डैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेंड पॉपुलैरिटी। तो देखिए, वैसे लोग जो कि एजुकेटेड थे और जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनके बीच में ये आइडिया आया नेशनल यूनिटी का, और उसके साथ ही एक और आइडिया है, वो था एबोलिशमेंट ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। जो जैसे कि कोई अगर बड़े घर में जमींदार का अगर कोई बेटा है तो उसको कई तरह के प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो उस तरह के प्रिविलेजेस को ख़त्म करने का आइडिया इस तरह के एजुकेटेड लोग और जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके बीच आए। तो अब बात यहाँ तक आया कि मिडिल क्लास के लोग थे कौन। तो मिडिल क्लास के लोग आपके प्रोफेशनल्स हो गए, बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन हो गए, या फिर छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इन लोगों के दिमागों में इस तरह के आइडियाज़ आए और इस तरह के आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या पढ़ाया गया है टॉपिक नंबर 2.2 में। टॉपिक का नाम है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो देखिए, ये जो लिबरल नेशनलिज्म है इसका आखिर मतलब क्या होता है और ये क्या कहना चाहता था, ये किस तरह से सामने आया, इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए, आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली अलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। देखिए, जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में आया था, वो बहुत ही करीबी रूप से ज्वाइंट है आपके आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से। तो देखिए, यहाँ पर बात आता है कि लिबरलिज्म टर्म क्या है। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। तो देखिए, जो लिबरलिज्म वर्ड है वो लिबर वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म का सीधा मतलब एक तरह से हम निकालें तो उसका होता है कि आज़ादी को
आज़ादी या फिर हाँ आज़ादी के रूप में ले सकते हैं अगर हम किसी पर्सन के लिए बात करते हैं लिबरलिज्म को। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो देखिए मिडिल क्लास, पिछले टॉपिक हमने देखा था कि मिडिल क्लास में ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो मिडिल क्लास के लिए ये जो लिबरलिज्म वर्ड था ये सिंपली मीनिंग रखता था कि फ्रीडम, जितने भी इंडिविजुअल है कोई भी लोग हैं उनके लिए आज़ादी, वो जो करना चाहे जैसे करना चाहे उसकी आज़ादी, और सभी लोगों को लॉ के सामने यानी कि कानून के सामने बराबर अधिकार हो, उन्हें बराबर छूट मिले, बराबर उनको सज़ा मिले। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि पहले जो एरिस्टोक्रेसी चलती थी उसमें कुछ लोगों को छूट होती थी कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो इस वजह से जो मिडिल क्लास था वो काफ़ी ज़्यादा उससे नाराज़ था और वो चाहता था कि सभी लोगों को कानून के सामने बराबर रखा जाए। पॉलिटिकली इट इम्फेसाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्कियल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्टेट द इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो ये इम्फेसाइज करता है कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। इसका मतलब ये हुआ कि लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो कहती है कि गवर्नमेंट हमेशा लोगों के मर्जी से बननी चाहिए या फिर लोगों के मर्जी से चलनी चाहिए। तो अगर हम बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद तो जो लिबरलिज्म है उसका सीधा एक तरीके से मतलब रहा है या फिर वो जुड़ा हुआ रहा है एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी से, यानी जो मोनार्की है या फिर एरिस्टोक्रेसी रूल है, सॉरी ऑटोक्रेसी, मैं एरिस्टोक्रेसी पढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ऑटोक्रेसी के रूल को समाप्त से यानी कि मोनार्की को या फिर निरंकुश शासन को समाप्त करने के साथ वो जुड़ा हुआ है। और इसके साथ जो क्लर्कियल प्रिविलेजेस मिलते हैं कुछ लोगों को जन्म के आधार पर, उसको भी खत्म करने के समर्थन में ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी रही है। और इसके साथ साथ ये चाहती है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बने और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने और एक पार्लियामेंट में जहाँ पर लोग जुटे। तो अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, जो लिबरल्स थे यानी जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो ध्यान दबाव क्या कहते हैं वो दबाव बनाते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार के लिए भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ साथ में जोड़ा गया है कि अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की, यानी कि कानून के सामने सब कोई बराबर होगा उसको, लेकिन उसके साथ यूनिवर्सल सफरेज को नहीं जोड़ा गया है। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब हुआ कि एक निश्चित उम्र के बाद सभी लोगों को वोट देने का अधिकार सरकार बनाने के लिए। जैसे इंडिया में यूनिवर्सल सफरेज लागू है यानी कि 18 साल से कोई भी बड़ा अगर व्यक्ति है वो वोट देकर सरकार बनाने में मदद कर सकता है, अपने भावनाओं को रख सकता है। तो लेकिन वहाँ पर यह बात नहीं थी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ जब बात होती है वहाँ पर यूनिवर्सल सफरेज को इंक्लूड नहीं किया गया था। अगर आप फ्रांस रिवॉल्यूशन की को याद करें क्लास 9 से, तो उस समय में जो फ्रांस रिवॉल्यूशन था वो एक पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर हुआ था, जिसमें कि राइट टू वोट दिया गया था क्या कहते हैं सरकार बनाने के लिए, जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए राइट टू वोट दिया गया था वो सिर्फ उन लोगों को दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी थी, वैसे लोगों को नहीं दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और महिलाओं को भी नहीं दिया गया था, यानी मेन विदाउट प्रॉपर्टी और जितने भी महिलाएं हैं उन्हें पॉलिटिकल राइट से बाहर रखा गया था। काफ़ी कम समय के लिए जब जैकोबिन्स की सरकार थी उस समय में सभी एडल्ट मेल्स को यूनिवर्सल सफरेज प्रोवाइड किया गया था। हाउएवर द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वोमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर। तो जो नेपोलियन कोड आया यानी कोड ऑफ 1804 आया, उसने जो यूनिवर्सल सफरेज था उसको फिर से रिमूव कर दिया, लिमिटेड सफरेज कर दिया, और जो महिलाएं थी उन्हें इस माइनर का स्टेटस दे दिया और उनको उनके फादर्स और हस्बैंड के अधिकार के अंदर डाल दिया, यानी वो अब खुद से कुछ नहीं कर सकती हैं, उनका अधिकार उनके ऊपर अधिकार उनके पिता का या फिर उनके हस्बैंड का होगा। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वोमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मेन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो पूरी 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी तक जितने भी महिलाएं थी
और बहुत सारे, जितनी भी नहीं सारी नहीं, बहुत सारी महिलाएं थी और बहुत सारे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने अपोजिशन मूवमेंट्स निकाले और वो डिमांड कर रहे थे कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स मिले। तो अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर में बात करें तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं यानी पैसों के लेन देन की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो लिबरलिज्म हुआ उसका सीधा सा मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट यानी मार्केट की आज़ादी, और स्टेट इम्पोज यानी सरकार द्वारा लगाए गए जो एबोलिशंस हैं किसी भी गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट के ऊपर, उस पर उसको ख़त्म करना, ये लिबरलिज्म की सीधा सदा मतलब था इकोनॉमिक्स के स्फीयर में। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। 19th सेंचुरी के दौरान जो इमर्जिंग मिडिल क्लास थी उसका ये बहुत ही बड़ा डिमांड था। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। अब हम एग्जांपल देखने वाले हैं 19th सेंचुरी के पहले हिस्से में, फर्स्ट हाफ यानी कि 1850 के पहले वाले जो हिस्से उसको हम देखने वाले हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ आगे मैं कर देता हूँ नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपालिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो जो नेपोलियन की जो क्या कहते हैं जितने भी मेजर्स थे, नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, उन्होंने क्रिएट किया स्मॉल प्रिंसिपालिटीज और ए कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स का। ईच ऑफ दे पजेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट एंड मेजर्स। जो 39 स्टेट्स थे यानी जर्मनी के जो 39 स्टेट्स थे, वो उनके पास अपना खुद का वेट और मेजर था, उनके पास अपनी करेंसी थी, और एक अगर मर्चेंट है यानी एक कोई व्यापारी है वो ट्रैवल कर रहा है 1833 में हैमबर्ग से लेकर नमबर्ग तक अपने गुड्स को सेल करने के लिए, तो इसके लिए उसे 11 कस्टम से होकर गुजरना पड़ता था, 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था, और हर एक प्लेस पर उसे 5% कस्टम ड्यूटी देनी होती थी। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा उसे टैक्स देना पड़ता था। ड्यू टू इज वेयर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। जो ड्यूटीज़ जो थी यानी 5% यहाँ मैंने बात की, लेकिन सब जगह 5% नहीं होती थी, वो जनरली डिपेंड करती थी वेट पर कि आखिर प्रोडक्ट का वेट कितना है, उसका मेजरमेंट कितना है। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर दिस इन्वॉल्व टाइम कंजम्पशन कैलकुलेशन। तो देखिए हर एक जो रीजन था उसके पास अपना वेट और मेजर था, इसलिए उन लोगों को रियलिटी में टैक्स कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एले विच इन रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बाउट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, इन मेन्स 55.1 सेंटीमीटर, एंड नरमबर्ग 65.6 सेंटीमीटर, इन फ्राइबर्ग 53.6 सेंटीमीटर 53.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर सिंपली बताया जा रहा है कि देखिए जो मेजर्स क्लॉथ नापने का जो सिस्टम था यानी क्लॉथ का जो मेजरमेंट था वो सभी रीजन्स में अलग अलग था। एक मेजरमेंट है एल ए, तो वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग था। जैसे फ्रैंकफर्ट में 54.7 एक एल एम का मतलब हुआ मेंस में 1 एल ए इज इक्वल टू 55.1 सेंटीमीटर, नमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर हुआ करता था। तो देखिए ऐसे जो कंडीशंस थे इन्हें ऑब्स्टेकल्स के रूप में देखा जाता था इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए और ग्रोथ के लिए, जो कि नया कॉमर्शियल क्लास था उनके द्वारा। वो आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। तो देखिए ये जो मिडिल क्लास था, न्यू कॉमर्शियल क्लास था, ये डिमांड कर रहा था कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई जाए और जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल एंड कैपिटल उसको जड़ा सा भी छेड़छाड़ ना किया जाए, उसे जैसा है वैसा रहने दिया जाए। तो इस वजह से 1834 में अ कस्टम्स यूनियन और जोलवेरिन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशा एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स।
1834 में एक कस्टम्स यूनियन बना जिसका नाम था जोलवेरिन, और ये बना था प्रसा के लीडरशिप में, और इसमें ज़्यादातर जर्मन स्टेट्स ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था। द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 32 to 2। तो देखिए, ये जो यूनियन बना यानी जोलवेरिन बना, इसने ट्रैफिक बैरियर्स को ख़त्म कर दिया, और नंबर ऑफ करेंसी जो थी उसे 30 से ज़्यादा करेंसीज हुआ करती थी जर्मनी में पहले, उसे ख़त्म करके 2 करेंसीज यानी 2 करेंसीज बना दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। तो देखिए, रेलवेज का जो नेटवर्क बना उसने फिर आगे चलकर मोबिलिटी को बढ़ाया, यानी एक जगह से दूसरे जगह प्रोडक्ट के मूवमेंट को बढ़ा दिया। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स ग्रोइंग एट ए टाइम। तो यहाँ देखिए, सीधा साधा इसका मतलब ये होता है कि देखिए, इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी एक चीज़ सामने आई। वो कैसे कि देखिए, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी बहुत सारी स्टेट्स होने की वजह से, लेकिन जब एक स्टेट होगा तो उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इकोनॉमिक्स में, और ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए इस तरह के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ाने में इसने काफ़ी ज़्यादा मदद किया। तो टॉपिक नंबर है हमारा 2.3, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो इसके पहले 2.2 नंबर टॉपिक में हमने पढ़ा था लिबरल नेशनलिज्म के बारे में, तो अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिज्म के बारे में। तो देखिए, 1815 में नेपोलियन के डिफीट के बाद, यानी नेपोलियन के डिफीट के बाद 1815 में जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, यूरोपियन की जो सरकारें थी जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था, उन्हें उनके अंदर एक कंजर्वेटिज्म की भावना उत्पन्न हो गई, और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोर से ये कंजर्वेटिज्म की भावना उत्पन्न हो गई। तो अब यहाँ बात है कि कंजर्वेटिज्म होता क्या है। तो यहाँ पर आपको मीनिंग भी दिया हुआ है, कंजर्वेटिज्म अ पॉलिटिकल फिलोसफी डैट स्टेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रिवर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। तो देखिए, कंजर्वेटिज्म एक तरह की फिलोसफी है, एक तरह का सोच है, जिसमें कि जो ट्रेडिशंस हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी पुराने तौर तरीके हैं उनको अहमियत दी जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट ना करें, हम जो पुराने तौर तरीके हैं, जातिवाद के जो सिस्टम है या फिर पुराने तौर तरीके हैं जहाँ पर जाति प्रथा की सिस्टम है और फिर दूसरे तरह के सिस्टम्स हैं, उनको हम बना कर रखें, आगे पूरे जीवन हम उसी को बना कर रखें, और वो उन चीज़ों को कंजर्व करना चाहते हैं। तो इसी सोच को हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे आज के 100 साल पहले हुआ करता था, जैसे आज के 50 साल पहले हुआ करता था, वही चीज़ आज भी हम करें और वही चीज़ आगे भी हम करते रहें। तो सिंपली इस तरह से आप कंजर्वेटिज्म को समझ सकते हैं। तो कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी ऑफ एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। तो जितने भी कंजर्वेटिव थे, यानी कंजर्वेटिज्म की फीलिंग को रखने वाले, भावना को रखने वाले, वो बिलीव करते थे कि जितने भी इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार द्वारा इस्टेब्लिश्ड या फिर सोसाइटी द्वारा इस्टेब्लिश्ड, जैसे कि आपके मोनार्की हो गए, रूलर हो गया, राजा सिस्टम, राजतंत्र, चर्च हो गया, चर्च का जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि पंडितों का, पंडित हम नहीं कह सकते, मतलब जो मंदिरों का प्रभाव है उसका कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में वैसी स्थिति नहीं है जैसा कि वहाँ हुआ करता था, और जितने भी सोशल हायरार्की है या फिर प्रॉपर्टी है और जितने भी फैमिलीज हैं, इनको बना कर रखा जाए, इनको बचा कर रखा जाए, यानी कि जो सोशल हायरार्की है उसे बना कर रखा जाए, लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है उसे छीना ना जाए, और जो पावरफुल लोग हैं, उन जो पावरफुल फैमिलीज़ हैं उनके पावर को बना कर रखा जाए। तो इस तरह के चीज़ उनके दिमाग में आ रहे थे और यही चीज़ वो करना चाहते थे। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from changes initiated by Napoleon, the modernization could in fact extended traditional institutions like the monarchy. It could make a state more powerful, more effective, more and strong. Modern army and efficient bureau and dynamic economy, abolition of feudalism and serfdom could extended the autocratic monarchy of Europe. तो देखिए, यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि देखिए, ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो पुराने सिस्टम में वापस नहीं लौटना चाहते थे, यानी जो रिवॉल्यूशन के पहले के जो दिन थे उसमें वो वापस नहीं लौटना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये समझ में आया कि जो चेंजेस किए गए हैं नेपोलियन द्वारा, या फिर चेंजेस की शुरुआत की गई है नेपोलियन द्वारा, वो
ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं सरकार के या फिर मोनार्की के, जैसे कि मोनार्की और उसके पूरे सिस्टम्स को, उसको ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जो स्टेट है उसको ये तौर तरीके, यानी कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये पावरफुल बना सकता है और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है और स्ट्रॉन्ग बना सकता है मोनार्की को, और एक मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और डायनेमिक इकोनॉमी, और फ्यूडलिज्म को समाप्त करना और सर्फडम को समाप्त करना, ये सभी चीज़ें जो हैं, और ऑटोक्रेटिक मोनार्की जितने ऑटोक्रेटिक मोनार्की हैं यूरोप की, उनको ज़्यादा पावरफुल बना सकता है और उनको ज़्यादा दिनों तक शासन करने में मदद कर सकता है। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इस सिस्टम को तुरंत ही ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि वो चाहते थे कि इनको हम धीरे धीरे डेवलपमेंट चेंज करें। जैसे कुछ चीज़ चेंज करने हैं, मान लीजिए कि ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना है या जो भी करना है, उसको धीरे धीरे किया जाए, ऐसा नहीं किया जाए कि एक झटके में तुरंत उड़ा दिया और ख़त्म कर दिया, वैसा वो नहीं चाहते थे। लेकिन वो चेंज ऐसा नहीं था कि वो चेंज के खिलाफ थे, लेकिन स्लो चेंज के समर्थन में थे वो। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया, तो देखिए ये वो देश थे या फिर ये जो यूरोपियन पावर्स थे, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था। तो यहाँ पर प्रसा का मतलब आप जर्मनी समझ सकते हैं, यानी जब जर्मनी क्रिएट हुआ था उसके पहले जो जर्मनी था वही कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, करीब 39 उसके अंदर स्टेट्स थे, उसका मेन जो स्टेट था प्रसा था, यानी कि सबसे बड़ा स्टेट प्रसा था। तो इसको आप जर्मनी सिंपली समझ लें, ये जर्मनी था। तो ये चारों देश जो थे इन्होंने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था, और नेपोलियन के हारने के बाद यानी इनके जीतने के बाद इन्होंने वियना में एक मीटिंग बुलाई, और जहां पर उन्होंने यूरोप के लिए सेटलमेंट करना शुरू किया, क्योंकि ज़्यादातर जो यूरोप का हिस्सा था वो जीत लिया गया था नेपोलियन द्वारा, और वो अब बिल्कुल एक तरह का आज़ाद हो चुका था, और ये लोग जिस तरह से चाहते उस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते थे अपने पूरे सिस्टम को। और ये जो पूरी मीटिंग थी ये होस्ट की गई थी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक द्वारा, और ये जो डेलीगेट्स आए हुए थे, द डेलीगेट्स, जितने भी डेलीगेट्स आए हुए थे, इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना ने बनाया 1815 का, 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना किया गया इनके द्वारा, और इनका जो ऑब्जेक्ट था वो था अनडूइंग मोस्ट ऑफ चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार, यानी नेपोलियन के शासनकाल के दौरान जितने भी चेंजेस आए थे उन सभी चेंजेस को ख़त्म करना या फिर वापस कर देना। इसके तहत जो बर्बन डायनेस्टी थी, जिसको कि रिमूव कर दिया गया था पावर से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, यानी कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस दौरान जो जिस बर्बन डायनेस्टी को रिमूव किया गया था, उस बर्बन डायनेस्टी को फिर से वहां पर बैठा दिया गया, फ्रांस में बैठा दिया गया, उसे फिर से रूलर बना दिया गया, और फ्रांस ने जितने भी एरिया को एनेक्स किया था यानी अपने कंट्रोल में लिया था फ्रांस के अलावा, उन सभी को छीन लिया गया फ्रांस से। और इसके साथ ही फ्रांस के बॉर्डर पर, जैसे कि अगर मान लीजिए ये फ्रांस है, इसके बॉर्डर पर छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए गए ताकि फ्रांस जो है वो दोबारा एक्सपेंशन करने की ना सोचे। और इसके साथ ही जो किंगडम का, नीदरलैंड का किंगडम था जिसमें कि बेल्जियम में आता था, इसे सेटअप किया गया नॉर्थ में, और जेनेवा पिडमोंट में जोड़ दिया गया साउथ में, और इसके साथ प्रसा जो है, प्रसा उसे इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज दे दिए गए वेस्टर्न फ्रंटियर पे। वहीं जो ऑस्ट्रिया था उसे नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया, लेकिन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, यानी नेपोलियन द्वारा जो 39 स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था जोलवेरिन बनाया गया था, जोलवेरिन शायद नेपोलियन द्वारा नहीं बनाया गया था, 39 स्टेट्स का ग्रुप जो बनाया गया था वो नेपोलियन द्वारा जो बनाया गया था उसे छुआ नहीं गया, यानी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, जैसे था वो वैसे ही उसे छोड़ दिया गया। और वहीं पूर्व की बात करें तो पूर्व में रसिया जो था उसे पोलैंड का एक हिस्सा मिला, वहीं जो प्रसा था उसे सैक्सोनी का एक हिस्सा मिला। तो इसका मेन इंटेंशन यह था कि जितने भी मोनार्कीज जिसे जो कि वो ओवरथ्रो कर दिए गए थे नेपोलियन द्वारा, उन्हें फिर से सत्ता में ले आया जाए। सत्ता में ले आया जाए और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया जाए यूरोप में, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें बचाया जाए, जितने भी आपके जो पुराने सिस्टम्स थे, यानी कि जो सोशल हायरकी थी या फिर मोनार्की थी, इन सभी चीज़ों को बनाकर रखा जाए। जो कंजर्वेटिव रेजिम जो था वो सेटअप हुआ था 1815 में,
और ये जितने भी आपके शासन, जितने भी राज बने या फिर जितने भी चेंजेस किए गए 1815 के वियना के संधि के दौरान, और उसके बाद जितने भी आपके राज बने या फिर जितने भी रेजिम सेटअप हुए, वो सभी ऑटोक्रेटिक थे। वो जितने भी राजा थे या फिर सिस्टम थे, वो क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते थे या फिर उसे बर्दाश्त नहीं करते थे, और वैसे वे ऐसे एक्टिविटीज़ को वो सपोर्ट नहीं करते थे जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते थे। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर जो इसमें से लोग थे यानी ऑटोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने सेंसरशिप लॉज लगा दिए ताकि कंट्रोल किया जाए कि व्हाट क्या कहा जाता है न्यूज़पेपर में और बुक्स में, प्लेज में और सॉन्ग्स में, रिफ्लेक्टेड आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। क्या वो लिबर्टी के बारे में और फ्रीडम के बारे में बताते हैं, इन सभी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो यहाँ आप एक इमेज देख सकते हैं, इस एक तरह का व्यंग इमेज है। इसमें लोग बैठे हुए हैं एक क्लब में और वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस कुछ लिखे गए हैं क्योंकि सेंसरशिप लागू कर दी गई है, इस वजह से वो खुलकर आज़ादी के बारे में बात नहीं कर सकते, इस तरह के आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो साइलेंस, पहला रूल है कि यहाँ पर साइलेंस रहना है। दूसरा, अगर आप कोई मेंबर जो है वो तो बातचीत करने का अगर उसके अंदर भावना आ जाए, इससे रोकने के लिए पहले ही उनके मुंह पर पट्टी बांध दी जाती है। तो इस तरह की बात है, इसको आप देख लें एक बार। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सेंसरशिप लॉज जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे कि न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग और जो आइडियाज़ लिबर्टी और फ्रीडम के जो आए थे आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, उनको कहीं पे सो न किया जाए या फिर लोगों के बीच ये भावना ना फैले। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नंदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो क्या कहते हैं थिंकिंग थी लोगों के दिमाग में, इमेज थी लोगों के दिमाग में, उन्होंने उस इमेजेस ने, उस सोच ने लिबरल्स को इंस्पायर करने में मदद किया। ज़्यादा वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने जो सबसे बड़ा इशू उठाया वो था फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस को आज़ादी नहीं दी गई थी, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी, उसको उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं द रिवॉल्यूशनरीज, यानी रिवॉल्यूशनरीज के बारे में, टॉपिक नंबर 2.4। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815, यानी 1815 के बाद के सालों में जो रिप्रेशन का जो डर था, उस वजह से जो जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए, वो छुप छुप कर मिलने लगे और छुप छुप कर अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने लगे, और इसके साथ ही सीक्रेट सोसाइटीज बन गई पूरे यूरोप में ताकि रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन किया जा सके और उनके आइडियाज़ को फैलाया जा सके। उस समय में रिवॉल्यूशनरी होना एक तरह का पूरी तरह से कमिटमेंट था कि वो मोनार्कियल फॉर्म को अपोज कर रहे हैं और जितने भी सरकारें हैं उनको वो अपोज कर रहे हैं जो कि वियना कांग्रेस के बाद बनी है, और ताकि वो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट कर सके। इसमें से ज़्यादातर रिवॉल्यूशनरी जो थे, उन्होंने क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझा, यानी नेशन स्टेट का निर्माण करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा समझा स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, यानी फ्रीडम के स्ट्रगल के साथ ही। इसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडिविजुअल था वो था जोसेफ मैजिनी। ये इटालियन नेशनलिटी से था, ये वो इटालियन था, और ये जिनेवा में पैदा हुआ था 1807 में, और ये मेंबर बना एक सीक्रेट सोसाइटी का कार्बोनरी में। 24 साल की उम्र में जब ये जवान ही था तब इसे एग्जाइल में भेज दिया गया 1831 में, 1831 में, क्योंकि इसने ल्यूगीरिया में एक रिवॉल्यूशन का अटेम्प्ट किया था। एग्जाइल का मतलब अगर आप नहीं समझते तो मैं सिंपली बता दूं, किसी को ज़बरदस्ती उसके देश से निकाल देना, बहिष्कार कर देना, हम सिंपली समझ सकते हैं। और इसके बाद, यानी कि उसे जब निकाल दिया गया, उसके बाद उसने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ का निर्माण किया, पहला यंग इटली मार्शल में और दूसरा यंग यूरोप बर्न में। इसमें जितने भी मेंबर्स थे इन दोनों ग्रुप्स के, वो ऐसे ही आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे जो कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से आते थे। जो मेजिनी था वो बिलीव करता था कि जो भगवान है यानी गॉड है, उसने देशों को, यानी कि किसी भी नेशन को
बनाया है ताकि वो मैनकाइंड का ध्यान रख सके, मैनकाइंड का सही तरीके से ख्याल रख सके। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। सो इसलिए जो इटली है वो एक छोटे छोटे देशों का या फिर छोटे छोटे स्टेट्स का समूह बनकर नहीं रह सकता, इसे कुल मिलाकर एक बड़ा यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना होगा ताकि और इसके अंदर वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस भी होना चाहिए। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। तो देखिए इटाली के लोगों के लिए लिबर्टी लाने का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस हो सकता है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वेयर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। उसके इस मॉडल को फॉलो करते हुए, उसकी इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी इस तरह के सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगे। जो मेज़िनीज रिलेटेड अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। जो मेज़िनी था उसका मोनार्की का प्रति जो विरोध था और जो उसका विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए, उसने कंजर्वेटिव को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया और उनके बीच काफ़ी ज़्यादा चिंता पैदा कर दिया। जो मेटरनिक था, ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर, उसने डिस्क्राइब किया जोसेफ मेज़िनी को एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी कि जो हमारा सोशल ऑर्डर है उसका एक मोस्ट डेंजरस एनिमी है, यानी सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ देखिए इसके बाद हमारा टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर थर्ड, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848। यहाँ पर एक इमेज दिया गया है जोसेफ मेज़िनी का, इसको आप देख सकते हैं, जोसेफ मेज़िनी एंड द फाउंडिंग ऑफ द यंग यूरोप इन बर्न 1833। तो ये देखिए जोसेफ मेज़िनी यहाँ पर बैठा हुआ है और वो लोगों से बात कर रहा है, अपनी आइडियोलॉजी को बता रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में जो इस जो टॉपिक हमें पढ़ना है इस वीडियो में, उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर थर्ड, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 to 1848। तो इसका सीधा मतलब यह है कि 1830 से लेकर 1848 के बीच में जो घटनाएं हुई यूरोप में उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत किया गया है एज कंजर्वेटिव रेजिम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। तो इसके पीछे आपने देखा कि 1815 के बाद जब नेपोलियन का अंत हो गया, उसकी जो फ्रांस है वो कमज़ोर हो गया, उसके बाद जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव का मतलब आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, यानी कि वैसे लोग जो कि पुरानी संस्थाओं को बचाना चाहते थे, पुराने रीति रिवाज को बचा कर रखना चाहते थे, यानी कि पुराने मोनार्की को रखना चाहते थे और इस तरह की संस्थाएं को बचा कर रखना चाहते थे, वो कंजर्वेटिव हुए। तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव लोग जो थे वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे, अपने पावर को बढ़ा रहे थे, उसी के साथ साथ जो लिबरलिज्म थी और नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और उसको लोग जो रिवॉल्यूशन है उसके साथ जोड़कर देखने लगे। जैसे कि आपका यूरोप के दूसरे हिस्सों में, जैसे कि इटली में जर्मन स्टेट्स जो थे, जैसे कि प्रसा, सब बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड था वो, और ऑटोमन एम्पायर के बहुत सारे हिस्सों में, जैसे कि आपका ग्रीस हो गया, उसके अलावा आयरलैंड में और पोलैंड में, इन सभी जगहों पर लोग नेशनलिज्म को और लिबरलिज्म को रिवॉल्यूशन के साथ जोड़कर देखने लगे। और ये जो रिवॉल्यूशंस थे हो रहे थे, यानी कि जो लोग लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को लेकर रिवॉल्यूशन कर रहे थे उसको जनरली लेड कर रहे थे जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, और ये जनरली बिलोंग करते थे एजुकेटेड मिडिल क्लास से, और इसमें से ज़्यादातर लोग थे आपके प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, और कॉमर्शियल मिडिल क्लास के लोग थे, यानी कि जो व्यापार करने वाले लोग थे वैसे लोग। तो इसका रीज़न ये था कि ये सभी लोग जो थे, ये इनका एजुकेशन काफ़ी अच्छा था, ये सोसाइटी के बारे में जान रहे थे, दूसरे देशों के में क्या घटनाएँ हो रही हैं, इन सभी चीज़ों को जान रहे थे। तो इस वजह से इनका झुकाव जो था वो लिबरल आइडियोलॉजी की तरफ और नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी की तरफ काफ़ी ज़्यादा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो विद्रोह हुआ, फर्स्ट अपेवल, वो हुआ आपका फ्रांस में जुलाई 1830 में। तो देख सकते हैं 1815 में आपका कंजर्वेटिव पावर बढ़ना शुरू हुआ, और उसके बाद 1830 में आपका पहला विद्रोह हुआ लिबरल नेशनलिस्ट लोगों द्वारा। तो देखिए जो बर्बन डायनेस्टी थी, बर्बन किंग्स, जिन्हें कि रिमूव कर दिया गया था 1789 के फ्रांस के विद्रोह में,
जो बर्बन किंग्स को रिमूव कर दिया गया था, उन्हें फिर से वापस लाया गया था 1815 में, किसके द्वारा? कंजर्वेटिव लोगों के द्वारा। और इस 1830 के विद्रोह में, यानी 1830 के विद्रोह में, उन्हें फिर से राजगद्दी से उखाड़ कर फेंक दिया गया, यानी कि उनके पावर को खत्म कर दिया गया। और जो बर्बन द बर्बन किंग्स हु हैव बीन रिस्टोर टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815, यानी 1815 के बाद जिन्हें वापस लाया गया था और इन्हें फिर से ओवरथ्रो कर दिया गया लिबरल रिवॉल्यूशनरीज द्वारा, जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई और जिसका हेड बनाया लुई फिलिप को। कौन सा कौन व्यक्ति हेड बना? लुई फिलिप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बना। तो देखिए, ड्यूक मेटरनिक, उसका कहना था कि देखिए, व्हेन फ्रांस फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी के पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, उसे ठंड लग जाता है। तो इसके बाद द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। तो यहाँ पर कौन सी जुलाई रिवॉल्यूशन की बात हो रही है? तो यहाँ ऊपर जो हम जुलाई रिवॉल्यूशन बात करें फ्रांस में, बिल्कुल वही जुलाई रिवॉल्यूशन यहाँ पर भी बात हो रही है। तो देखिए, जिस समय में फ्रांस में 1830 के जुलाई में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उसी समय में आपके ब्रसेल्स में भी रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। और इस रिवॉल्यूशन का नतीजा ये हुआ कि जो बेल्जियम है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स से अलग हो गया, वो एक स्वतंत्र मुल्क हम कह सकते हैं बन गया। इसके बाद एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप वाज ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए, आप तो जानते ही होंगे, ऊपर आपने पढ़ा होगा कि यूरोप में या फिर दुनिया के किसी भी वर्ल्ड में 1800 अगर ईस्वी की हम बात करें, या फिर लगभग इस समय से या फिर उस समय से पहले, तो उस समय में जितने भी देश होते थे वहाँ पर देशभक्ति की भावना नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो राष्ट्र कैसे बनते थे, यह आपको पता होगा कि कोई राजा आया, उसने एक सीमित इलाके में कब्जा किया और वो एक देश बन गया। उसने आगे चलकर इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया तो ये पूरा एक देश बन गया। फिर उसने एक बड़ा इलाके पर कब्जा किया तो वो पूरा देश बन गया। तो इस तरह से देश बनते थे। और तो आप सोच सकते हैं कि लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना कहाँ से आएगी। तो लेकिन एक इवेंट था जिसने लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना को जगाने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया, यानी नेशनलिस्ट फीलिंग को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया, और वो था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस, ग्रीस तो आप जानते ही होंगे कि वो यूरोप का एक देश है। तो देखिए, ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15 सेंचुरी से, यानी 15वीं सदी से ही वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। और द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमंग द ग्रीक विच बिगेन इन 1821। तो यहाँ पर बात यह है कि जो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की बात हो रही थी आपकी पूरे यूरोप में, तो उससे ग्रीस भी कहीं अछूता नहीं था। वो भले ही दूसरे एम्पायर में आता था, लेकिन वहाँ के लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में पता चल रही थी, और वो भी उनके अंदर भी नेशनलिस्ट भावनाएं आ रही थी कि हमें अब आज़ाद होना चाहिए, हम खुद एक नया देश बनाएंगे, हमारा खुद का एक देश होना चाहिए, हमें दूसरे एम्पायर के अंदर में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इंडिपेंडेंस की भावनाएं लोगों में आई और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ। और ये शुरू हुआ आपका 1821 में, 1821 में स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ आपका ग्रीस में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, 1821 नेशनलिस्ट ग्रीस में जो नेशनलिस्ट लोग थे, यानी जो विद्रोह कर रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला वैसे ग्रीक से जो कि एग्जाइल में रहते थे, यानी कि जिन्हें ग्रीस से निकाल दिया गया था, बाहर खदेड़ दिया गया था, वैसे लोगों के से भी, और यूरोपियंस, बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन से भी जो कि ग्रीस कल्चर के साथ सिंपैथीज रखते थे, यानी कि ग्रीस कल्चर को अपना कल्चर मानते थे और यूरोप का एक हिस्सा मांगते थे। इसके अलावा पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज अ क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। तो देखिए, जितने भी पोएट्स थे और आर्टिस्ट थे, उन्होंने ग्रीस को
यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना समझा और उन्होंने पब्लिक ओपिनियन वे पब्लिक ओपिनियन बनाने में जुट गए ताकि ग्रीस के लिए पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए, उन ग्रीस के लिए समर्थन जुटाया जाए जो कि एक मुस्लिम एम्पायर के अंदर में आता है। तो लोग वे लोगों में भावना जगाना चाहते थे कि देखो यार ऐसा है कि एक मुस्लिम एम्पायर है उसके अंदर में क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन रीजन आ रहा है तो उसे किसी तरीके से हमें आज़ाद कराना है। तो इस तरह की भावना वो लोगों में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में फंड्स जुटाए इस ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए और बाद में वो युद्ध में चले भी गए। युद्ध मतलब वार वाले युद्ध नहीं, इंडिपेंडेंस के लिए जो वार चल रहा था वैसा युद्ध में, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई 1824 में फीवर की वजह से। तो देखिए फाइनली एक ट्रीटी हुआ जिसके मद्देनज़र जिसको ध्यान में रखते हुए 1832 में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इसी में हमारा 3.1 टॉपिक है जिसका नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो देखिए नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध की वजह से आई या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से आई, उसमें कल्चर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया ताकि एक नेशन का आइडिया क्रिएट किया जा सके जिसमें कि आपका आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक ये सभी चीज़ें आती हैं। इन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग को ग्रो करने में हेल्प किया और उसे लोगों के अंदर जो भावनाएं थी उसे सामने लाने में भी मदद किया। तो अगर हम रोमांटिसिज्म की बात करें तो एक कल्चरल मूवमेंट, ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था जिसका पूरा क्या कहते हैं फोकस था एक पार्टिकुलर तरह के नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को क्रिएट करना, लोगों में एक पार्टिकुलर तरह के नेशनलिस्ट भावनाओं को क्रिएट करना। तो जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे और पोएट्स थे उन्होंने वे जनरली क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस यानी तर्क वितर्क की जो बातचीत है कि हर चीज़ तर्क से होना चाहिए या फिर हर साइंस सबसे बड़ा है, तो इस तरह की बातों को वो तवज्जो नहीं देते थे और वो चाहते थे कि देश के निर्माण में मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे, वो फोकस करते थे इमोशंस के ऊपर यानी वो चाहते थे कि देश के निर्माण में नेशनलिस्ट फीलिंग में इमोशंस को वैल्यू दिया जाए, इंट्यूशंस को वैल्यू दिया जाए और मिस्टिकल फीलिंग्स को वैल्यू दिया जाए। और उनका एफर्ट ये था कि वो लोगों में एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज का सेंस ला सके, भावना ला सके, कॉमन कल्चरल पास्ट का एक भावना ला सके और इन सभी चीज़ों को एक देश बनाने का बेसिस बनाया जाए। यानी कि देखिए हम जितने भी इस रीजन में रहने वाले लोग हैं हमारा इतिहास एक है, हमारा जो कल्चर है वो एक है, हमारा हेरिटेज एक है, तो इसलिए हमें एक देश के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह की भावनाएं वो क्रिएट करना चाहते थे। तो दूसरे जो रोमांटिक लोग थे, मेरा मतलब है रोमांटिक पोएट्स थे या फिर आर्टिस्ट थे, जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर या ये 1744 से 1803 तक रहे थे, उनका क्लेम वो क्लेम करते थे कि देखिए जो रियलिटी में जो जर्मन कल्चर है वो लोगों के बीच में से आना चाहिए। इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। तो इस तरह की बातें पॉपुलर की गई कि देखिए जो फोक सॉन्ग्स है, फोक पोएट्री है, फोक डांसेज हैं तो ये एक तरह का ट्रू स्पिरिट है नेशन का। तो इस तरह की भावना लोगों में पॉपुलराइज की गई। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इस तरह के चीज़ों को कलेक्ट करना, उसे रिकॉर्ड करना, लोगों में पहुँचाना एक तरह का नेशन बिल्डिंग हम कह सकते हैं या फिर देशभक्ति भावना निर्माण करने में इसने काफ़ी ज़्यादा मदद किया। तो अब आगे बढ़ते हैं। द इम्फेसिस ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वेयर मोस्टली इलिटरेट। तो देखिए सबसे बड़ा बात यहाँ ये है कि देखिए वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है या फिर कलेक्शन ऑफ लोकल फोक, उसका सिर्फ रीज़न ये नहीं था कि लोगों में एंशियंट जो नेशनल स्पिरिट है कॉमन कल्चर की भावना को लाया जाए, उसका रीज़न ये भी था कि देखिए जो नया जो नेशनलिस्ट मैसेज वो देना चाहते हैं लोग,
लोगों के बीच में जो रिवॉल्यूशनरीज देना चाहते हैं वो भी लोगों तक पहुंचाया जाए, वैसे लोगों तक जो कि मोस्टली जिनमें से ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं यानी अनपढ़ हैं, जो कि एजुकेशन के बारे में या फिर इन चीज़ों के बारे में उतना नहीं जानते हैं। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, पोलैंड के केस में ये ज़्यादा लागू होता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए पोलैंड जब 1815 में जो पावर्स थे, ग्रेट पावर्स रशिया, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये जब यूरोप का क्या कहते हैं हम डील कर रहे थे यूरोप के बारे में नेपोलियन को हराने के बाद, तो उस समय में पोलैंड को उन्होंने कई हिस्सों में विभाजित कर दिया था और कुछ हिस्सा रशिया ने रख लिया, कुछ हिस्सा आज़ाद रह गया, कुछ हिस्सा दूसरे देश के पास आ गया इस तरह से। तो लेकिन बात यह है कि पोलैंड हो ऐसा था कि पोलैंड नाम की कोई देश उस समय थी ही नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट कोई टेरिटरी थी नहीं, लेकिन नेशनल फीलिंग्स को अलाइव रखा गया, जिंदा रखा गया सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक और लैंग्वेज की मदद से। कैरोल करपिंस्की फॉर एग्जांपल, ये कौन थे ये देखते हैं, ये शायद एक आर्टिस्ट थे जो कि ओपेराज करते थे, म्यूजिक करते थे, ये सेलिब्रेट करते थे नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेराज की मदद से, म्यूजिक की मदद से, और इन्होंने फोक डांसेस जैसे कि पेलोनेज, मेजोरिका और इन्हें नेशनल सिंबल्स के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो अब मैं इसे नीचे सरका देता हूं। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। तो देखिए लैंग्वेज जो है उसने भी देशभक्ति की भावना को क्रिएट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। उसका एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि देखिए जब पोलैंड को कब्जा किया गया, कई हिस्सों में विभाजित किया गया, तो जो हिस्सा रसिया के अंडर में आया तो उस समय में रसिया जो पोलिश लैंग्वेज था उसे स्कूलों से बंद कर दिया गया यानी हटा दिया गया, और वहाँ पर रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया, यानी वहाँ पर सिर्फ रशियन पढ़ाई होगा, रशियन वहाँ पर लोगों को सिखाया जाएगा, रशियन में लोग बात कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो 1831 में एक आर्म्ड रिवेलियन हुआ रशियंस के खिलाफ, इन 1831 एंड आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस वेयर विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। तो 1831 में एक आर्म्ड रिवेलियन हुआ रशियन रूल के खिलाफ जिसे कि बाद में क्रश कर दिया गया। इसको फॉलो करते हुए बहुत सारे मेंबर्स, क्लर्की के जो मेंबर्स थे पोलैंड में, उन्होंने लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर दिया एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, यानी विरोध के रूप में लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर दिया। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए पोलिश को यूज़ किया जाने लगा चर्च गैदरिंग में और जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते थे उसके उसके लिए। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट बाइशप्स वेयर पुट इन जेल और सेंट टू सिबीरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। तो देखिए इसका रिजल्ट ये हुआ कि ज़्यादातर जो प्रीस्ट थे या फिर बिशप्स थे उन्हें जेल में या तो डाल दिया गया या फिर उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज द्वारा एज अ पनिशमेंट, क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज में प्रीच करने से मना कर दिया था। और द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो देखिए पोलिश को यूज़ करना एक विद्रोह के रूप में देखा जाने लगा या फिर एक तरह का सिंबल बन गया कि देखिए अगर मैं पोलिश लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रशियन का विरोध करता हूँ। तो इस तरह की भावना लोगों में आ गई और विद्रोह को अपना दिखाने के लिए, अपने विरोध को दिखाने के लिए वो पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करने लगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर, वो है 3.2। 3.2 टॉपिक है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो यहाँ देखिए पहला हमारा शुरू होता है द 1830s वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830s में यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सप्रेशन था यानी इकोनॉमिक हार्डशिप थी वहाँ पे। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सा एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यानी 1800 से 1850 के बीच में यूरोप में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर कंट्रीज़ में जॉब के मुकाबले कई ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा लोग मौजूद थे।
जो रूरल एरियाज थे वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे थे सिटीज़ में, जहाँ पर उन्हें रहना पड़ रहा था ओवर क्राउडेड स्लम्स में। जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे शहरों में, यानी कि जो फैक्ट्रीज चलाते थे या इस तरह के कामों में इन्वॉल्व थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, जो कि चीज़ें इम्पोर्ट हो रही थी इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सस्ती बन रही थी इस वजह से। तो देखिए, दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। तो देखिए, इस चीज़ को स्पेशली आप देख सकते हैं टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, क्योंकि टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो था वो इंग्लैंड में आपका हो रहा था मशीनों के द्वारा, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से। लेकिन अगर हम बाकी के यूरोप की बात करें तो वहाँ पर लोग अपने घरों में या फिर स्मॉल वर्कशॉप में टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करते थे। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर्स पेजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म इन टाउन एंड कंट्री। तो देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, पार्टली मैगनाइज्ड, तो वैसे रीजन्स में यूरोप के जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा ताकत में थी, वहाँ पर पेजेंट्स जो थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके ऊपर फ्यूडल ड्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा बर्डन था और इसके अलावा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस भी थे। इसके अलावा अगर फूड प्राइसेस राइज होते थे तो जो लेबर ग्रुप था उन्हें सफ़र करना पड़ता था, और अगर बैड हार्वेस्ट होता था तो उस रीज़न की वजह से जो किसान थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे और वो प्राइस को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता था। तो इस वजह से टाउन और कंट्री में इन रीजंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। द ईयर ऑफ 1848 वाज वन सच ईयर। तो देखिए, 1848 इस तरह का ही ईयर था, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि या तो वहाँ पर प्राइसेस राइज हुए होंगे या फिर वहाँ पर प्रोडक्शन ही कम हुआ होगा। तो इस वजह से फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्राउट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। तो फूड शॉर्टेज की वजह से और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पेरिस के जो पॉपुलेशन है, यानी पेरिस की जो जनता है, वो रोड्स पर आ गई, और इस वजह से जनता ने, यानी कि भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, और लुई फिलिप जो था, यानी जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बनाया गया था, उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज है प्रेजेंट सरप्राइजिंग 1848 का इमेज। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप। तो देखिए, इस चीज़ की वजह से, यानी कि जो लुई फिलिप था उसके भागने के बाद एक नेशनल असेंबली बैठी जिसने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया, और जितने भी एडल्ट मेल्स थे 21 ईयर्स के एज के ऊपर, उन सभी को यूनिवर्सल सफरेज दिया गया, यानी कि 21 साल से ऊपर जो होगा सभी को वोट देने का अधिकार होगा, और इसके साथ ही उन्हें राइट टू वर्क का अधिकार दिया गया, और इसके अलावा नेशनल वर्कशॉप्स खोले गए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। और इसके पहले 1845 में, अर्लियर इन 1845, तो देखिए वीवर्स जो थे सिलिसिया में, उन्होंने एक रिवोल्ट किया था अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके खिलाफ विद्रोह किया था, जो कि उन्हें सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल और उन्हें ऑर्डर देते थे फिनिश टेक्सटाइल, यानी कि ऑर्डर देते थे टेक्सटाइल्स के वर्क को फिनिश करने के लिए, लेकिन उन्होंने उनके पेमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था, यानी कि उनके वर्क के लिए जो पैसा मिलना चाहिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक लिखा गया था पेपर में, अखबार में छपा था, तो मैं इस चीज़ को नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक नंबर पढ़ते हैं 3.3, जिसका टॉपिक का नाम है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो इसके पिछले टॉपिक में देखा कि जो गरीब लोग थे,
जो अनएम्प्लॉयड थे, पुअर थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन किया। और अब हम देखने वाले हैं कि जो लिबरल्स लोग थे, यानी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था 1848 में, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर अनएम्प्लॉयड स्टार्विंग पेजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848, अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वॉज अंडर वे। तो देखिए, हमने पिछले टॉपिक में देखा कि जो पुअर लोग थे, इन अनएम्प्लॉयड थे, स्टार्विंग पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, वो 1848 में यूरोपियन कंट्रीज में रिवॉल्यूशन कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ ही जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, यानी जो लिबरल्स आइडियोलॉजी के लोग थे, उनका भी एक रिवॉल्यूशन साथ साथ चल रहा था। जो फरवरी 1848 में इवेंट्स हुए फ्रांस में, उन इवेंट्स ने जो वहाँ की मोनार्की थी उसको राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया और एक रिपब्लिक की घोषणा हुई, जो कि बेस्ड थी यूनिवर्सल मेल सफरेज पर। यूनिवर्सल सफरेज नहीं, यूनिवर्सल मेल सफरेज, क्योंकि इसमें जो पुरुष थे सिर्फ उन्हें ही कंप्लीट वोट का अधिकार था, महिलाओं को इस वोट से बाहर रखा गया था। इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कम्बाइंड देयर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। तो देखिए, वैसे देश यूरोप के जहाँ पर अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट की घोषणा नहीं हुई थी, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, वहाँ पर मेन एंड वोमेन जो थे, जो कि मिडिल क्लास के से बिलोंग करते थे, लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उन्होंने अपने डिमांड को एक साथ मिलाया और उन्होंने डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने जिसमें कि नेशनल यूनिफिकेशन हो और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कंट्री चले। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए, ये सभी जो लोग थे, जो लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे, उन्होंने इस पूरे सिचुएशन का एडवांटेज लिया, क्योंकि इस सिचुएशन में जो पुअर लोग थे, अनएम्प्लॉयड थे, पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, सभी क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे थे। तो ये जो पूरा अनरेस्ट का माहौल था पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप नहीं, उसके यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में अनरेस्ट का माहौल था, वहाँ पर इस सिचुएशन का उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उन्होंने कोशिश की कि एक नेशन स्टेट क्रिएट किया जाए, एक नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था, फ्रांस के रिवॉल्यूशन चाहते थे कि फ्रांस एक नेशन स्टेट बने, जर्मनी के लोग चाहते थे कि जर्मनी एक नेशन स्टेट बने, इटली के लोग चाहते थे कि इटली एक नेशन स्टेट बने, और जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, और भी अलग अलग तरह के फ्रीडम्स लोगों को मिले। अब आगे हम देखते हैं, इन जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस होज मेंबर्स वेयर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रोस्पेरस आर्टिसंस केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। जर्मन रीजन में एक बहुत बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशंस, जिनके कि मेंबर्स मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जो कि प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रोस्पेरस आर्टिसंस थे, वो सभी एक साथ आए और सिटी फ्रैंकफर्ट सिटी में एक साथ बैठे और वहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया कि वो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे, वो उन्होंने मार्च किया एक फेस्टिव प्रोसेशन के रूप में, और उन्होंने फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी जगह पर बैठे, और जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो रहा था आपके चर्च ऑफ सेंट पॉल में हो रहा था, जहां पर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए, जो कि हेड किया जाएगा एक मोनार्की द्वारा, जो कि पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होगा। तो जब उन्होंने इसके जो लीडर्स थे, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी थी या फिर पार्लियामेंट थी, इसके डिप्टीज़ या फिर लीडर्स ने इस पूरे ऑफर को, इस पूरा जो प्लान था इसको ऑफर किया प्रसा के जो राजा था उस समय का, फ्रेडरिक विलियम फोर उसको, तो उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और उसने उन सभी लीडर्स को ज्वाइन कर लिया, उन सभी राजाओं को ज्वाइन कर लिया जर्मनी के, जो कि इस पूरे असेंबली को अपोज कर रहे थे, इस पूरे इलेक्टेड असेंबली को अपोज कर रहे थे।
वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर द सोशल बेस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। तो जैसे जैसे जो ये जो एरिस्टोक्रेसी यानी मोनार्की का और मिलिट्री का विरोध जो था वो बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो पार्लियामेंट का सोशल बेसिस था वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। उसका रीज़न ये था कि जो पार्लियामेंट था वो डोमिनेट किया जाता मिडिल क्लास द्वारा, यानी जो वैसे लोगों द्वारा जो कि वर्कर्स के डिमांड को अपोज कर रहे थे, विरोध में थे उसके, और वैसे आर्टिसन द्वारा जो कि वर्कर्स के डिमांड को अपोज कर रहे थे। तो इस वजह से जो इनका सोशल बेस था, सोशल सपोर्ट था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और इसके अंत में जो ट्रूप्स थे यानी कि सैनिक थे वो बुलाए गए और उन्हें ये जो असेंबली थी इसे फोर्सली डिसबैंड कर दिया गया, इसे फोर्सली ख़त्म कर दिया गया, फोर्सफुली ख़त्म कर दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। तो जो महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स देने की बात थी ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू थी पूरे लिबरल मूवमेंट में, जिसमें कि बहुत सारे लोग सपोर्ट में थे, बहुत सारे लोग सपोर्ट में नहीं थे। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। तो ये जो पूरा लिबरल मूवमेंट हो रहा था इसमें महिलाएं भी बहुत बड़ा योगदान कर रही थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा था कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं वोट देने का या फिर दूसरे पॉलिटिकल राइट्स, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय था और काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में मतभेद थे। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो जो इस बात को ध्यान में देते हुए कि आखिर इन लोगों क्या सोच रहे हैं, जो महिलाएँ थीं उन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना लिए, न्यूज़पेपर अपने बैठा लिए और पॉलिटिकल मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट करने लगी और डेमोन्स्ट्रेशंस वो देने लगी। डिस्पाइट दिस दे वेयर डिनाइड, आगे हम बढ़ते हैं, डिस्पाइट दिस दे वेयर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। तो इन सभी चीज़ों को करने के बावजूद उन सभी को वोट देने का अधिकार देने से बाहर रखा गया जब असेंबली का इलेक्शन होने लगा, जो जिस असेंबली की हम ऊपर बात कर रहे थे। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वेयर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। तो जब ये पार्लियामेंट बैठी चर्च ऑफ सेंट पॉल में, तो वहाँ पर जो महिलाएं थीं उनको सिर्फ विजिटर्स गैलरी में बैठने की आज़ादी मिली, बैठने का परमिशन मिला और वो सिर्फ वहाँ से बैठकर देख सकती थी, उसके अलावा और भी कुछ करने की परमिशन उन्हें नहीं थी। दो कंजर्वेटिव फोर्सेज वेयर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स थे वो 1848 के रिवोल्ट को दबाने में सक्सेसफुल रहे, जो लिबरल मूवमेंट हुआ उसको दबाने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन वो पुराने जो सिस्टम था, पुराना ऑर्डर था, उसको फिर से लागू करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मोनार्क्स वे आर बिगनिंग टू रियलाइज दैट साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्टिक रिवॉल्यूशनरीज। तो जो मोनार्कीज थे यानी जो राजा लोग थे, उन्हें यह समझ में आने लगा था कि ये जो बार बार रिवॉल्यूशन होता है और बार बार हम इसको दबाते हैं, इसको ख़त्म एक बार में तभी किया जा सकता है जब हम कुछ जो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं इनको कुछ परमिशन दे दें या फिर इनको इनकी मांगे कुछ हम पूरी कर दें। हेंस इन द ईयर ऑफ 1848 में द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी बीन टेकन इन द वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। तो 1848 के साल गया, फिर उसके सालों के बाद में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने ऐसे चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे। द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वेयर एबोलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेशन एंड इन रशिया। तो जो बंधुआ मजदूरी थी और भूदासत्व जो था उसको ख़त्म कर दिया गया हैब्सबर्ग डोमिनेशन में और जो रशिया में था वहाँ पर भी। हैब्सबर्ग रूल्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1868। तो हैब्सबर्ग रूलर जो थे उन्होंने ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी हंगेरियंस को 1867 में, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। तो इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 4 है जिसको कि हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली, जर्मनी और इटली किस तरीके से बने थे। और इसको इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ और चीज़ें हम यहाँ ध्यान दे लेते हैं। इस इमेज को जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेंट पॉल की इमेज है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, जिसमें कि नीचे जो हैं
जेंट्स बैठे हुए हैं जो है कि 831 इलेक्टेड मेंबर्स थे। इसके बाद ऊपर देख सकते हैं महिलाएं बैठी हुई हैं जिनको कि ऊपर से बैठ कर देखने का परमिशन था। इसके बाद फेमिनिस्ट, यहाँ पर एक वर्ड है फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर। तो ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर इस सोर्स सी को आप पढ़ सकते हैं। सोर्स सी में बताया गया कि हाउ वेयर द लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑफ फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड, तो उस समय के कंटेक्स्ट में इन चीज़ों को बताया गया, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अभी तक तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी यूरोप के बारे में और वहाँ के नेशनलिज्म के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी और इटली के बारे में कि आखिर जो जर्मनी जो स्टेट हम नाम सुनते हैं और जो इटली आज हम कंट्री का नाम सुनते हैं, ये आखिर बने कैसे। तो पीछे जो आपने पढ़ा उसमें आपको ये समझ में आया होगा कि जर्मनी जो था वो पहले बहुत सारे स्टेट में बटा हुआ था, उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेट थे, करीब 39 स्टेट्स थे और उतने बड़े टुकड़े में वो बटा हुआ था जिसमें कि एक प्रसा जो था वो सबसे बड़ा राज्य था। और इसी तरीके से इटली भी कई हिस्सों में टूटा हुआ था और उस पर अलग अलग राज्यों का शासन था, अलग अलग लोगों का शासन था। तो देखिए, इस टॉपिक के अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं 4.1 जर्मनी के बारे में। सबसे पहले आइए हम जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं। और जर्मनी में भी पूछा गया है कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, क्या सेना जो है वो किसी भी नेशन की निर्माता हो सकती है। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। 1848 के बाद जो नेशनलिज्म की बात हो गई, नेशनलिज्म की भावना हो गई, वो डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन की बात से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट होते थे वो बहुत ही यूज़ किए जाते थे कंजर्वेटिव लोगों द्वारा मोबिलाइज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए जो स्टेट पावर है उसको, और पॉलिटिकल डोमिनेशन को अचीव करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए यूरोप में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो पहले नेशनलिज्म की भावना वो जो डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई थी और रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई थी, ये अब उससे बिल्कुल अलग हो चुकी थी और नेशनलिज्म के बातों को अब जो कंजर्वेटिव लोग थे और जो मोनार्कीज थी वो अब यूज़ करने लगी थी। और दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। और इस चीज़ को आप इस बात से समझ सकते हैं जो प्रोसेस हुआ जर्मनी और इटली में उन्हें एक नेशन स्टेट क्रिएट करने में, एज यू हैव बीन सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इन टू अ नेशन स्टेट गवर्न बाई एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो देखिए, आपने पहले भी देखा, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच में, जर्मनी के जो मिडिल क्लास लोग थे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसीलिए उन्होंने 1848 में ट्राई किया था कि जो जर्मनी के जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग लोगों द्वारा शासन किए जा रहे हैं, उन सभी को एक नेशन स्टेट के रूप में बदला जाए, उन सभी को एक में मिलाया जाए और जो कि गवर्न हो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट से। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशा। तो देखिए, ये जो पूरा इवेंट हुआ, ये मिडिल क्लास के लोगों द्वारा जो इवेंट हुआ था, इसे पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया था। ये जो मोनार्की थे, जितने भी प्रशा भी जिसमें था और भी अलग अलग जो मोनार्कीज थे, उन सभी द्वारा और इनके साथ मिलिट्री और जो बड़े लैंड ओनर्स थे वहाँ के, ज़मींदार जिसे कि हम कह सकते हैं, उन सभी का सहयोग से इस पूरे इनिशिएटिव को क्रश कर दिया गया था, दबा दिया गया था। और उसके बाद, यानी इस पूरे इवेंट के बाद, 1848 के इवेंट के बाद, जो प्रसा था उसने एक तरीके का लीडरशिप ले लिया मूवमेंट के लिए, नेशनल यूनिफिकेशन के लिए जो मूवमेंट था उसका लीडरशिप उसने ले लिया। जो इसका चीफ मिनिस्टर था प्रसा का, ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो ये जो ऑटो वॉन बिस्मार्क था वो एक तरीके का आर्किटेक्ट हम कह सकते हैं, वो था इस पूरे प्रोसेस के लिए। और इस पूरे प्रोसेस के लिए उसने प्रसा की जो आर्मी थी और ब्यूरोक्रेसी उसका उपयोग किया था, उसका मदद लिया था अपने इस ड्रीम को, अपने इस वर्क को अचीव करने के लिए, अपने इस वर्क को अचीव करने के लिए। देयर वेर 3 वार्स ओवर 7 ईयर्स विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस इंडेड इन
प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्साय। तो देखिए तीन वार्स लड़े गए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और इन तीनों में प्रसा की जीत हुई। और इन तीनों जीत के साथ जो प्रसा का यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। और 1871 में जनवरी में जो प्रसा का जो किंग था विलियम वन, उसे जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया। और इसके लिए एक वर्साय में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके बाद और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ऑन द बेटरी कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क गैदर इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर ऑफ पैलेस ऑफ वर्साय टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाई कैसर विलियम वन ऑफ प्रसा। तो देखिए ठंड के दिनों में 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली बुलाई गई, जिसमें कि जर्मन जितने भी स्टेट्स थे उनके प्रिंस आए हुए थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रसा के इंपॉर्टेंट मंत्रीज थे ऑटो वॉन बिस्मार्क के साथ, वो सभी मिरर ऑफ पैलेस में आए थे, जो कि बहुत ठंडा था। और वहाँ पर जर्मन एम्पायर घोषित किया गया था कैसर विलियम फर्स्ट को, जो कि प्रसा का शासक था। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द जर्मनी। तो देखिए जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस था, जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस था जर्मनी में, वो डेमोन्स्ट्रेट करता था जो प्रसा की शक्ति थी, प्रसा की पावर थी उसको। और जो न्यू स्टेट बना, यानी कि जो नया जर्मनी बना, जिसमें कि प्रसा को जो कैसर विलियम था वो वहाँ का इम्परर घोषित किया गया, उसने ज़्यादा फोकस किया करेंसी को मॉडर्नाइज करने पर, बैंकिंग को मजबूत करने पर, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करने पर और बेहतर बनाने पर जर्मनी के अंदर। और जो प्रसा के अंदर जो मेज़र्स यूज़ किए जाते थे वजन नाप तौल के लिए या फिर लंबाई को मापने के लिए, और जितने भी तरह के प्रैक्टिसेज होते थे उन सभी को बाकी के जो जर्मनी था उस पर लागू किया गया और उसी को फॉलो किया गया पूरे जर्मनी के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं, इस पूरे मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैप में ये जो रीजन है, ये रीजन शुरुआत में पहले प्रसा हुआ करता था, इस रीजन को जीता गया था, आपको यहाँ पर बताया गया है ऑस्ट्रिया से जीत सॉरी ये आपको जीता गया था अब ये शायद ऐड हुआ था जर्मन कन्फेडरेशन में 1867 में। और येलो रीजन जो है वो ऑस्ट्रिया का रीजन था, उसको कैप्चर किया गया था। इस तरीके से पूरा रीजन था, अलग अलग जगहों से इसे कैप्चर किया गया था। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम देखते हैं इटली का यूनिफिकेशन, कि आखिर इटली का जो यूनिफिकेशन है वो कैसे हुआ था। तो जर्मनी की तरह ही इटली जो था उसका भी एक बहुत पुराना इतिहास था, क्योंकि वो भी जर्मनी की तरह पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था। इटालियंस वेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टीज स्टेट्स एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। तो इटली जो था वो बहुत ही अलग अलग डायनेस्टीज़ के अंदर में शासन के अंदर में आता था, बहुत अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग लोग शासन करते थे, अलग अलग एम्पायर शासन करता था। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के मिडिल में इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, 7 स्टेट्स में वो डिवाइडेड था, जिसमें से केवल एक सरदाना पिडमोंट जो था वो एक इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा रूल किया जाता था। यानी सिर्फ एक स्टेट था 7 स्टेट में से जहाँ का जो रूलर था वो इटालियन था, बाकी दूसरे रीजन जो थे उस पर बाहर का कोई रूलर शासन करता था। नॉर्थ रीजन जो था उसको रूल किया जाता था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर द्वारा, सेंटर को रूल किया जाता था पोप द्वारा, साउदर्न रीजन को रूल किया जाता था बर्बन किंग ऑफ स्पेन द्वारा, यानी कि जो स्पेनिश थे वो रूल करते थे। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड इट स्टिल हैड मैनी रीजन्स एंड लोकल वेरिएशन। तो देखिए इटालियन लैंग्वेज जो था वो एक फॉर्म उसने एक्वायर नहीं किया था, और उसके बहुत अलग अलग रीजनल और लोकल वेरिएशन थे, अलग अलग वेरिएशन थे। और
वहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं यूनिफिकेशन नहीं था वहाँ के लोगों के बीच में। ड्यूरिंग द 1830s यानी कि 1830 के आसपास जो जोसेफ मेजनी था उसने एक अपना विज़न दिया कि वो चाहता है कि जो इटालियन रिपब्लिक है एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बने जहाँ पर सभी जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं उनको मिलाकर एक इटालियन रिपब्लिक बनाया जाए। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो जो जोसेफ मेजनी था उसने एक सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म किया था जिसका नाम था यंग इटली। और इस पूरे संगठन का मकसद ही यही था कि एक इटली बनाया जाए जो कि पूरे यूनिफाइड हो, पूरा यूनिफाइड हो। और इस क्या कहते हैं, द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन डैट द मेंटल नाउ फेल ऑन सर्डाना पिडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वार। तो देखिए जो इवेंट्स हुए थे 1831 में और 1848 में, उन इवेंट्स के फेल होने के बाद, उन इवेंट्स के फेल होने के बाद ये एक तरीके से पूरा भार जो था इटली को यूनिफाई करने का वो एक तरीके से सर्डाना पिटमोंट के ऊपर आ गया जो कि इटालियन एक तरह का पेनिनसुलर स्टेट था। और उसके ऊपर ये जिम्मा आ गया कि वो इटालियन स्टेट्स को एक में मिलाकर एक बड़ा इटली क्रिएट करे और एक यूनिफाइड इटली का निर्माण करे। और यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली ये है कि जो रूलिंग एलिट्स थे इस रीजन के वो एक यूनिफाइड इटली बनाना इसलिए भी चाहते थे क्योंकि एक यूनिफाइड इटली बनने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस भी इस रीजन में बढ़ेगा। इस वजह से भी वो चाहते थे कि एक यूनिफाइड इटली का निर्माण हो। अब यहाँ हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर कैवर यानी जो इटली का इटली में जो सर्डाना पिडमोंट था उसका चीफ मिनिस्टर कैवर के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था क्योंकि इसने ही पूरा प्लान तैयार किया था पूरे इटली को यूनिफाई करने का। चीफ मिनिस्टर कैवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वॉज नीदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। तो देखिए ये जो व्यक्ति था ये न ही रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था ना ही डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। तो जो दूसरे वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स थे इटालियन एलिट जो ग्रुप होता है हाई क्लास सोसाइटी के उसके में उस उन मेंबर्स की तरह ही ये फ्रेंच ज़्यादा बेटर बोल लेता था मुकाबले जो इटालियन था। यानी इटली का होने के बावजूद इटली कंट्री को यूनिफाई कर रहा था लेकिन उसके बावजूद ये फ्रेंच ज़्यादा बेटर बोलता था इटालियन के मुकाबले। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाई कैवर सर्डाना पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। तो देखिए कैवर ने बहुत ही चालाकी से फ्रांस के साथ एक अलायंस किया और इस अलायंस के साथ ही जो सर्डाना पिडमोंट था वो सक्सीड हो गया ऑस्ट्रियन ताकतों को डिफीट करने में 1859 में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ गैरिबाल्डी ज्वाइंड द फ्रे। तो देखिए जो रेगुलर ट्रूप्स थे यानी जो सेना थी उसके अलग से भी बहुत सारे आर्म्ड वॉलेंटियर्स आए, बहुत सारे लोग शामिल हुए सैनिक के रूप में आगे आए और इसका लीडरशिप कर रहा था जोसेफ गैरिबाल्डी। और 1860 में दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिलिसेज। तो देखिए 1860 में ये जो जोसेफ गैरिबाल्डी था वो अपने समर्थकों के साथ अपने फॉलोअर्स के साथ जो लोग इसके साथ आए थे उनके साथ मिलकर ये साउथ इटली में घुस गया और फिर किंगडम ऑफ टू सिलिसेज में भी पहुंच गया। और वहाँ पर जो लोकल पेजेंट्स थे उनका भी सपोर्ट हासिल करने में यह सफल हो गया और वहाँ से बहुत ही आसानी से इसने स्पेनिश रूलर जो थे स्पेनिश जो एम्पायर था वहाँ पर फैला हुआ उन सभी को वहाँ से खदेड़ने में कामयाब हुआ। और इसके बाद 1861 में जो विक्टर इमैनुएल था यानी जो सर्डाना पिडमोंट का रूलर था उसे यूनिफाइड इटली का किंग घोषित कर दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन एमंग होम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वाज वेरी हाई रिमेंड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो देखिए इस पूरे काम क्रिया के दौरान ये जितना भी चीज़ें हो रही थी उस दौरान जो इटालियन पॉपुलेशन था उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो कि इलिटरेट था और उसे इन सभी चीज़ों लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी और इस तरह की बातें उन्हें समझ में नहीं आती थी। द पेजेंट मासेज हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन साउदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव डैट लार्ज
ला टालिया वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। तो देखिए जो पेजेंट थे साउदर्न इटली के जिन्होंने सपोर्ट किया था गैरिबाल्डी को, उन्होंने इटालिया नाम का कोई वर्ड नहीं सुना था, इसके बारे में जानते भी नहीं थे, और उन्हें लगता था कि ला तिला जो है वो विक्टर इमैनुअल जो है उसकी वाइफ का नाम है, यानी वहाँ का जो रूलर है उसकी वाइफ का नाम है, और इसी वजह से वो एक तरीके से सपोर्ट भी कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में कि किस तरीके से इटली पूरी पूरे पार्ट्स में डिवाइडेड था और किस तरीके से वो एक यूनिफाइड कंट्री बन गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4.3 और इस टॉपिक का नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ, तो वहाँ हमने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर बहुत एक तरह का वार हुआ, बहुत तरह का अप डाउंस हुए, बहुत तरह की चीज़ें हुई, तब जाकर यूनिफिकेशन का प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट हुआ। लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ब्रिटेन में बहुत लंबा प्रोसेस चला, करीब 100-200 सालों तक प्रोसेस चला, तब ब्रिटेन जो है वो यूनिफाई हुआ और ब्रिटेन एक राष्ट्र बना, ब्रिटेन नाम का एक राष्ट्र बना। तो अब हम देखते हैं इसे द मॉडल ऑफ नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। तो देखिए बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि देखिए जो नेशन स्टेट या फिर नेशन बनाने का जो मॉडल है वो ब्रिटेन होना चाहिए, क्योंकि इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपेवल और रिवॉल्यूशन। क्योंकि जो नेशन स्टेट बनाने की जो प्रक्रिया ब्रिटेन में हुई है वो किसी एक सडन रिवॉल्यूशन या फिर सडन रिवोल्ट की वजह से नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही एक लंबा प्रोसेस चला है उसके बाद हुई है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th century, यानी 18th century के पहले कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं, यानी कि जो ब्रिटेन ब्रिटिश हम जानते हैं आज वो वैसा कोई नेशन उस समय तक था ही नहीं। द प्राइम तो देखिए जो लोग वहाँ थे उनके अपने आइडेंटिटीज थे, जैसे कि अगर कोई इंग्लिश है, कोई वेल्स है, कोई स्कॉट है, कोई आयरिश है, इस तरीके से द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइसल्स वेयर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। तो ये किस तरीके से हुआ है, अब जैसे कि आप एग्जांपल में देख लें, इंडिया में कोई यूपी का रहने वाला है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, तो इस तरीके से अलग अलग आइडेंटिटीज थे वहाँ पर। ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। जितने भी ग्रुप्स थे उन सभी के अपने कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रो इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। तो जैसे जैसे जो इंग्लिश नेशन था यानी जो इंग्लैंड था वो मजबूत होता गया, और मजबूत होने के साथ साथ वो उसकी वेल्थ बढ़ती गई, उसके पावर बढ़ते गए, तो उसका जो इन्फ्लुएंस था दूसरे नेशंस पर भी बढ़ने लगा जो कि उस पूरे इलाके में मौजूद थे। तो यहाँ पर आपको शायद नहीं पता होगा कि जो ब्रिटेन या फिर यूके हम जानते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम, वो रियलिटी में एक कंट्री नहीं है, वो तीन कंट्री है, तीन या चार कंट्री है, जिसमें कि आपका एक इंग्लैंड आता है, एक आपका आपको स्कॉटलैंड आता है और आयरलैंड आता है। ये तीनों की आइडेंटिटीज अलग अलग हैं ये, लेकिन कम्बिनेशन में एक साथ रहते हैं, और इसमें से कोई अगर देश चाहे कि वो इस यूनियन से अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ है, तो इसको आप पहले बैकग्राउंड में आप समझ लें। तो हम यहाँ बात कर रहे थे पॉलिटिकल ट्रेडिशंस उनके अलग अलग हैं, बट एज जो इंग्लिश कंट्री था यानी जो इंग्लैंड था उसका पावर बढ़ता गया, तो पावर के साथ साथ उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता गया जो दूसरे नेशन थे उसके आसपास के इलाके में। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट था उसने 1688 में जो मोनार्की थी यानी कि जो ब्रिटेन का रॉयल परिवार था उससे पावर छीन लिया था 1688 में, और उसके पहले वो बहुत लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ें हुई थी, और इसके बाद ये एक नेशन स्टेट बना था। वाज इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फोर्ज्ड। और इसी के साथ साथ यानी कि जो पार्लियामेंट था इंग्लिश पार्लियामेंट उससे उसके बनने के साथ ही जो नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया थी जिसमें कि इंग्लैंड सेंटर में था वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कंप्लीट होना शुरू हुआ था। तो जो एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिस एक्ट के साथ ही जो
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड था वो एक साथ मिल गए और एक कंट्री का निर्माण किया जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन स्कॉटलैंड। तो देखिए ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो कि पहले अलग अलग कंट्रीज़ थे ये अब आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए थे और ये एक कुल साथ मिलकर एक कंट्री का निर्माण करेंगे यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। तो इसमें अब एक बात ये आ गई कि जो इंग्लैंड था वो पहले अलग कंट्री था, स्कॉटलैंड अलग कंट्री था, तो वहाँ पर इंग्लैंड जो है वो अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था स्कॉटलैंड पर डायरेक्टली। वो छुप छुप कर चाहे तो प्रभाव डाल सकता था लेकिन वो उतना सही नहीं होता। लेकिन इस कानून के पास होने के बाद और दोनों के एक साथ हम क्या कर सकते हैं गठबंधन में आने के साथ जो इंग्लैंड था वो अपने इन्फ्लुएंस को इम्पोज कर सकता था स्कॉटलैंड के ऊपर भी। तो देखिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो मेनली डोमिनेट किया जाता था इंग्लिश मेंबर द्वारा, यानी जो इंग्लैंड के मेंबर्स थे उनके द्वारा डोमिनेट किया जाता था। और द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेड द स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वेयर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। तो देखिए जैसे जैसे ब्रिटिश आइडेंटिटी का ग्रोथ हुआ और इंग्लैंड का प्रभाव उस पर बढ़ता गया, इंग्लिशों का प्रभाव उस पर बढ़ता गया, तो जो स्कॉटलैंड के जो अलग कल्चर थे वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो अलग थे यानी कि आपके इंग्लैंड से अलग थे उनको सिस्टमैटिकली सप्रेस किया गया। अब यहाँ बात आता है कि सिस्टमैटिकली सप्रेस करने का मतलब क्या होता है। तो अब हम एक सप्रेशन देखते हैं जहाँ पर लाठी डंडा हथियार का यूज़ करके सप्रेशन किया जाता है, लेकिन ये जो सिस्टमैटिकली सप्रेशन होता है वहाँ पर सरकार द्वारा इन चीज़ों को समर्थन नहीं दिया जाता था या फिर उनका इंपॉर्टेंस को कम कर दिया जाता था। जैसे अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है स्कॉटलैंड का तो उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, उसकी अहमियत कम कर दी जाएगी, उसके बातों को माना नहीं जाएगा, तो उसका जो लेवल है उसका इन्फ्लुएंस है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। और वहीं जो कल्चर की बात अगर हम करें तो इंग्लैंड का जो कल्चर है उसको यहाँ पर काफ़ी प्रमोट किया जाएगा और उसके मुकाबले जो स्कॉटलैंड का अपना कल्चर है उसको दबा दिया जाएगा, उसको सामने नहीं आने दिया जाएगा। द कैथोलिक क्लैंस डेट इनहेबिटेड द स्कॉटलैंड स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड अ टेरिबल रिप्रेशन वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो जो कैथोलिक लोग थे जो कि स्कॉटलैंड हाईलैंड रीजन में रहा करते थे उनको काफ़ी ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ता था जब भी वो अपने इंडिपेंडेंस को शो करने की कोशिश करते थे या फिर उसको यूज़ करने की कोशिश करते थे। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर ऑफ वेयर पॉसिबली डिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। तो देखिए जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे यानी जो एक इलाके का नाम है वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उन्हें अपने लोकल लैंग्वेज को बोलने से भी रोक दिया गया था, वो अपना लोकल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते थे और उनका जो नेशनल ड्रेस था उस नेशनल ड्रेस को भी वो पहन नहीं सकते थे और इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया। इसका मतलब है कि उन्हें इलाके को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इसके बाद अब हम देखते हैं आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। तो यहाँ पर हमने स्कॉटलैंड की बात कर ली ब्रिटेन के साथ उसके रिलेशंस के और इंग्लैंड के साथ वो किस तरीके से जुड़ा। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की क्योंकि ये भी उस जो हम क्या कहते हैं गठबंधन में शामिल है जो कि आज भी हम यूके का नाम सुनते हैं ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुनते हैं। ये जो ग्रेट ब्रिटेन है ये तीन कंट्रीज़ को मिलकर बना है आयरलैंड स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। तो अब हम आयरलैंड की बात कर रहे हैं। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो देखिए आयरलैंड जो था उसमें क्रिश्चियंस के जो अलग अलग फेथ हैं कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट उनके बीच में बटा हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग कैथोलिक फॉलो करते थे और बहुत लोग जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स को फॉलो करते थे। तो जो इंग्लिश थे उन्होंने हेल्प किया प्रोटेस्टेंट्स को आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को उनका डोमिनेंस क्रिएट करने में। और लेकिन यहाँ बात है कि उस कंट्री में ज़्यादातर संख्या में कैथोलिक लोग रहा करते थे। तो जो कैथोलिक जो थे वो रिवोल्ट करते थे ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ, लेकिन उनके रिवोल्ट को काफ़ी ज़्यादा दबा दिया गया था, उनके रिवोल्ट को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दिया गया था। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन
और ये रिवोल्ट हुआ था 1798 में। 1798 में वोल्फटोन नाम के व्यक्ति ने एक रिवोल्ट किया था अपने एक संगठन यूनाइटेड आयरिशमैन के साथ, लेकिन ये इस रिवोल्ट को कुचल दिया गया था, इस रिवोल्ट को दबा दिया गया था। और इसके बाद 1798 के इस फेल्ड रिवोल्ट के बाद आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया 1801 में आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में शामिल हो गया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक एंड द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। तो देखिए, जब यहाँ जो आयरलैंड है वो शामिल हो गया ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम में, तो एक नया ब्रिटिश नेशन का निर्माण हुआ जिसमें कि जो इंग्लिश कल्चर था उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, उसको काफ़ी ज़्यादा दूसरों पर थोपा गया, जैसे स्कॉटलैंड पर थोपा गया या फिर आपके जो आयरलैंड है उस पर थोपा गया। और जो ब्रिटेन के जो नए सिम्बल्स बने वो सभी जो थे वो इंग्लिश के प्रभाव को दिखाते थे, यानी जो इंग्लैंड था उसके प्रभाव से ही बने हुए थे, यानी जो नेशनल एंथम था या फिर ब्रिटिश फ्लैग था, इन सभी जो थे इनको इंग्लैंड के कल्चर से या फिर इंग्लैंड के बातों से प्रभावित थे ये। वहीं जो दूसरे नेशंस थे जैसे स्कॉटलैंड और आयरलैंड, वहाँ के जो कल्चर थे या फिर वहाँ के जो कस्टम्स थे उन सभी को सबॉर्डिनेट का एक तरीके से तमगा मिल गया, और उनको अपने खुद को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा, यानी जो कल्चर उसको बचाने के लिए काफ़ी उनको मेहनत करना पड़ा, और एक तरीके से देखें तो वो एक तरीके से ख़त्म भी हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए एक वर्ड है एथनिक, अगर आप उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एथनिक रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल ट्राइबल और कल्चर ऑरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम्स। तो एथनिक का मतलब हो गया कि अगर कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि एक ही तरह के प्रैक्टिसेस करता है, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर कल्चरल से रिलेटेड हो। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो हिंदू अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो जो एक तरीके प्रैक्टिस करते हैं जिन्हें कि हम हिंदू कहते हैं, या फिर मुस्लिम की हम बात करें तो वो एक तरह की एथनिक आइडेंटिटी है, क्योंकि उसके जो लोग होते हैं वो एक ही तरीके के प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो ये बात हो गई एथनिक आइडेंटिटी की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 5, विजुलाइजिंग द नेशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और पढ़ते हैं इस टॉपिक को 5, विजुलाइजिंग अ नेशन। तो इसका आखिर मतलब क्या हुआ विजुलाइजिंग अ नेशन? तो देखिए, नेशन एक तरह का फिजिकल थिंग है, यानी कि अगर हम उसको फिजिकली देखें तो वो एक तरह का लैंड है सिर्फ, लेकिन उसको हम विजुलाइज करते हैं एक ऐसे फॉर्म में जिसको कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि किसी भी इंसान के फॉर्म में। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ को लेडी के फॉर्म में दिखाया जाता है, बहुत सारे कंट्रीज़ को फादर के फॉर्म में दिखाया गया था पहले। तो उन चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं कि किस तरह से एक नेशन का एक जो मानव स्वरूप है वो किस तरीके से निर्माण किया गया और उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, however, does one go about giving a face to a nation? तो देखिए, अगर आप बात करें किसी रूलर की अगर हम बात करें तो उसको हम बड़ी आसानी से उसकी तस्वीर बनाकर या फिर उसकी स्टैचू बनाकर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका महिमा मंडन कर सकते हैं और उसको फेमस कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कंट्री को, तो कंट्री को हम किस तरह से आखिर विजुलाइज करेंगे? तो कंट्री का हम क्या हर जगह मैप बनाते चलेंगे कि इस तरीके से देखिए हमारा कंट्री है, इसको आप पूजा कीजिए या फिर इसको मानिए? तो नहीं। तो ये बहुत ही एक तरह का कठिन चीज़ है, इसको ऐसा करना आम लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए जो आर्टिस्ट लोग थे उन्होंने 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में एक इसके लिए एक तरीका निकाला ताकि एक नेशन को पर्सोनिफाई किया जा सके। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो इसके मुताबिक एक कंट्री को एक मानव स्वरूप में दिखाया जाने लगा। ये सभी उस समय के जो कलाकार थे, जो पेंटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस तरह का काम किया था। नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। तो उस समय के जो कंट्रीज थे उनको फीमेल फिगर्स के रूप में पोर्ट्रे किया जाने लगा। द फीमेल फॉर्म वॉज डैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वोमेन इन द रियल लाइफ, रेदर इट्स आउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन अ कंक्रीट फॉर्म। तो देखिए,
जो फीमेल फॉर्म चुना गया था किसी भी कंट्री को पर्सोनाफाई करने के लिए, चाहे हम फ्रांस की बात करें, क्योंकि अगर आपने फ्रांस का एग्जांपल पढ़ा होगा क्लास 9th में फ्रांस का चैप्टर, तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्रांस को एक महिला के रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी। तो ऐसा नहीं था कि जिस महिला का वहाँ पर तस्वीर लगाया जा रहा था या फिर किसी महिला को दिखाया जा रहा था वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी, नहीं, रियल लाइफ में वैसी कोई महिला नहीं थी। और वो सिर्फ लोगों के ख्यालों में कि हमारी जो कंट्री है वो इस तरीके की है, ये फीचर्स हैं, उसको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देने के लिए उस तरह का फॉर्म बनाया गया था। डैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगोरी ऑफ द नेशन। तो देखिए, फीमेल फिगर जो है वो किसी भी राष्ट्र की रूपक बन गई। जैसे हम फ्रांस की बात करते हैं, अगर हम फ्रांस आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, या फिर जर्मनी की बात करें वहाँ पर भी, तो अगर आप रिकॉल करेंगे फ्रांस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय की, यानी जो क्लास 9th में आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसकी, तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल एलेगोरी को यूज़ किया पोर्ट्रे करने के लिए, सच एज लिबर्टी, जस्टिस और जो रिपब्लिक है, इन आइडियाज़ को पोर्ट्रे करने के लिए या फिर शो करने के लिए एक फीमेल फिगर का यूज़ किया। These ideas were represented through specific objects or symbols. तो देखिए, ये सभी जो ideas थे इनको specific symbols से represent किया जाता था या फिर specific objects से represent किया जाता था। अगर आप याद करेंगे तो जो liberty यानी स्वतंत्रता की जो एट्रीब्यूट्स थे, यानी उसके लिए जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए थे शो करने के लिए, उसमें ब्रोकन चेन था, और जस्टिस के लिए ब्लाइंड फोल्डेड एक वोमेन थी जो कि पेयर ऑफ, जैसे नहीं आप देखते हैं फिल्मों में, आपने देखा होगा कि जो कोर्ट रूम है वहाँ पर एक महिला खड़ी होती है जिसका आँखों पर पट्टी बंधी होती है और उसके हाथों में एक तराजू होता है, तो वही चीज़ को यूज़ किया गया था। सिमिलर फीमेल एलेगोरीज वेयर इन्वेंटेड बाई आर्टिस्ट इन द 19th century टू रिप्रेजेंट द नेशन। तो इसी तरीके के फीमेल रूपक को इस्तेमाल किया गया था, यानी फीमेल फॉर्म्स को यूज़ किया गया था, निकाला गया था ताकि 19th century में नेशंस को रिप्रेजेंट किया जा सके। तो फ्रांस में अगर हम बात करें तो फ्रांस में एक नाम लिया गया था मैरीन, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था और विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपुल्स नेशन। तो वो लोगों में सिर्फ ये भाव जगाने के लिए था कि देखिए, ये जो कंट्री है ये लोगों की कंट्री है और ये आप ही की कंट्री है और आप इसे बिलोंग करते हैं, तो ये भाव जगाने के लिए ये एक तरीके से आइडिया अपनाया गया था। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इन सभी को लाया गया था लिबर्टी और रिपब्लिक से लिया गया था। और इसके बाद जो रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेड, स्टैचू ऑफ मरीन वाज इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट। मरीन इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टार। तो देखिए, इसके साथ जुड़े हुए थे ये जो आपका रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेट, ये सभी चीज़ें जो थी, एट्रीब्यूट्स जो थे, इन सभी को जोड़ा गया था। और इसके बाद जो मरीन थी उसके स्टैचूज को पब्लिक के बीच में जगह जगह पर चौराहों पर लगाया गया था ताकि लोगों को एक नेशनल सिंबल का याद दिलाता रहे और लोग इसको देखकर खुद को यूनिफाई करने पाए और उनके बीच में यूनिटी आए और वो दूसरों को और लोगों को ये परसुएड करने पाए कि वो खुद को इस आइडेंटिटी के साथ जोड़े कि हाँ, हम मैं फ्रेंच हूँ, मैं जर्मन हूँ, इस तरीके की आइडेंटिटी के साथ। मरीन इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाफ्स। तो मरीन जो महिला की जो तस्वीर बनाई गई थी, फ्रेंच को मानव रूप देने की कोशिश की गई थी, उसको कॉइन्स पर भी दिखाया जाने लगा, स्टैम्प्स उस पर बनाए गए। सिमिलरली जो जर्मेनिया, अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में फीमेल फिगर जो यूज़ किया गया उसका नाम रखा गया जर्मेनिया, जर्मन नेशन का फीमेल फिगर के रूप में। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जर्मेनिया जो थी वो ओक लीव्स का एक क्राउन पहनती थी, क्योंकि जो जर्मन में अगर हम बात करें, जर्मन ओक जो है वो वीरता की, उसका मतलब होता है वीरता या फिर मीनिंग, उसको उसके सिंबल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जर्मेनिया का इमेज दिया गया है, तो ये सिंपली है जर्मेनिया का इमेज, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 6, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट फॉर द फर्स्ट
ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट बिकेम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। तो देखिए जब जो 19th सेंचुरी था उसके अंतिम क्वार्टर में यानी कि करीब आपके 1875 के बाद जो नेशनलिज्म की जो बात थी वो अपना जो रियल फॉर्म था लिबरल डेमोक्रेटिक जो सेंटिमेंट था उससे बिल्कुल अलग हो चुका था और अब जो नेशनलिज्म था वो बहुत ही एक संकीर्ण सोच बन चुका था, एक नैरो आइडियोलॉजी बन चुकी थी जिसका कि कुछ लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स में ही यूज़ किया जाता था लोगों को भड़काने के लिए या फिर लोगों को अपनी तरफ करने के लिए इस तरह की चीज़ों के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंग इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वार। तो इस समय में यानी इस काल में जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेंट हो गए एक दूसरे के लिए और वो किसी भी समय एक दूसरे के साथ वार में जाने के लिए तैयार होते थे। तो जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे इंटरनल मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम्स। तो देखिए तो जो यूरोपियन पावर्स थे बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स उन्होंने इन नेशनलिस्ट जो सेंटीमेंट्स थे या फिर नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस जो थे इन्हें अपने यूज़ के लिए इधर उधर मैनिपुलेट करना शुरू किया, उनको थोड़ा भड़काना शुरू किया, उनको थोड़ा यूज़ करना शुरू किया ताकि वो अपने आप को एक इंपीरियल स्टेट बना सके, ये यानी कि एक साम्राज्य बना सके। तो इसी को अब हम आगे देखने वाले हैं और आगे क्या लिखा हुआ है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया ऑफ कॉल्ड द बाल्कन्स। तो देखिए 1871 के बाद जो सबसे सीरियस सोर्स था नेशनलिस्ट टेंशन का, जहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, वो था बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन क्या होता है? तो देखिए बाल्कन रीजन एक जियोग्राफिकल रीजन था जहां पर बहुत ज़्यादा एथनिक वेरिएशन था, यानी वहां पर बहुत अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे और आज वहां पर बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटीनेग्रो। तो ये सभी कंट्रीज आज वहाँ पर मौजूद हैं। होज इनहेबिटेंट्स वेयर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स। तो देखिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को नॉर्मली स्लाव कहा जाता था और जो बाल्कन्स थे उनका जो लार्ज पार्ट था वो कंट्रोल में था ऑटोमन एम्पायर आप जानते ही होंगे उसके कंट्रोल में था। तो जो रोमांटिक नेशनलिज्म की जो आइडिया फैली और जो रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया आया बाल्कन रीजन में, तो इसके साथ साथ उसी समय में जो ऑटोमन एम्पायर था उसका डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा था और ये जो चीज़ें हुई जैसे रोमांटिक नेशनलिज्म आने के साथ साथ जो ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हुआ और वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये रीजन जो था ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गया। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म बट विथ वेरी लिटिल सक्सेस। तो देखिए 19th सेंचुरी में जो ऑटोमन एम्पायर था उसने खुद को मजबूत करने की कोशिश की, खुद को मॉडर्नाइज करके और इंटरनल रिफॉर्म्स करके, लेकिन उसे बहुत ही छोटी सी सक्सेस मिली, वो उतना ज़्यादा अपने प्लान में सफल नहीं हो पाया। वन बाई वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड बीन वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जेक्टेड बाई फॉरेन पावर्स। तो देखिए एक एक करके जो यूरोपियंस जो नेशनलिस्ट थे वो अलग हो रहे थे ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से और खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर रहे थे और जो बाल्कन रीजन में रहने लोग थे उनका क्लेम करना था कि वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं और पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए वो हिस्ट्री का यूज़ करते थे और कहते थे कि देखो बहुत साल पहले हम आज़ाद हुआ करते थे, हम अपने फैसले खुद से लिया करते थे, लेकिन जो फॉरेन पावर्स हैं उन्होंने हम पर अटैक किया और हमें अपने कब्जे में ले लिया है और आज हम इस स्थिति में रह रहे हैं। तो इसलिए जो रिबेलियस नेशनलिस्ट थे बाल्कन रीजन में उन्होंने सोचा कि उनका जो स्ट्रगल है वो अपने हारे हुए हिस्सों को यानी जो अपनी कंट्री है उसको आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए वो उनका पूरा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा है। तो उनके नज़र में ये सभी चीज़ें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी। एज अ डिफरेंट स्लाविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। तो देखिए अलग अलग जो स्लाविक नेशनलिटीज़ थे जैसे मैंने बताया कि ऊपर मैंने बताया कि जो
बाल्कन रीजन था, वहाँ के लोगों को स्लाव कहा जाता था, और वहाँ पर बहुत अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज़ रहते थे, बहुत अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे। तो वो खुद के अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए और पाने के लिए लड़ रहे थे। तो इस वजह से जो बाल्कन एरिया था वो बहुत ही बड़ा एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट का एरिया बन चुका, और जो बाल्कन स्टेट्स थे वो एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा जेलस थे और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, और वो हमेशा होप करते रहते थे कि किसी तरीके से हम अपना जो एरिया है उसको एक्सपेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हमारा राज्य हो सके, और इसके लिए वो एक दूसरे को मारने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड ड्यूरिंग द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सेंस ऑफ बिग पावर राइवलरी, और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स मैटर्स हो गए जब वो एक दूसरे के साथ पावर राइवलरी में आ गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। तो इसी समय में जो यूरोपियन पावर्स थे, जैसे फ्रांस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, और भी दूसरे जो पावर्स हो गए, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कंपटीशन चल रहा था ट्रेड और कॉलोनीज़ को लेकर, कौन कितने बड़े एरिया को अपना कॉलोनी बनाता है, और वो उनके जो मिलिट्री पावर है और नेवल पावर है उसके बीच में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। दिस राइवलरीज वी आर एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। ईच पावर रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन, एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। तो देखिए, जितने भी पावर्स थे वो चाहते थे कि उनका जो होल्ड है इस रीजन पर वो बने और दूसरे के होल्ड को कमज़ोर करें, और दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार इन दिस रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो एक तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो था ये बाल्कन रीजन ही था, जहाँ पर ये सभी जो पावर्स थे ये एक दूसरे के साथ हमेशा फाइटिंग में लगे रहते थे, एक दूसरे को कमज़ोर करने में और खुद को मजबूत करने में। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ ब्रिटेनिया का इमेज है, ब्रिटेन का एक इमेज है जो कि ब्रिटिश एम्पायर को शो कर रहा है, इसे आप चाहें तो देख लें। नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पीरियलिज्म लेड टू यूरोप डिजास्टर इन 1914, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो नेशनलिज्म की भावनाएं थी उसको यूज़ किया गया इम्पीरियलिज्म को बनाने के लिए, यानी साम्राज्य बनाने के लिए, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए, और इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ यानी जो पूरा यूरोप डिजास्टर में चला गया। बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन। तो देखिए, बहुत सारे कंट्रीज वर्ल्ड में जिनको कि कॉलोनी बनाया गया था, जैसे कि इंडिया हो गया, या फिर साउथ अफ्रीका हो गया, या फिर कोई और कंट्री हो गया, वो इम्पीरियल डोमिनेशन को अपोज करने लगे। द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट डेट डेवलप्ड एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट। तो जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट हुआ सभी जगहों पर वो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट की वजह से हुआ, इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एंड वेयर इंस्पायर्ड बाई अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फोर्ज्ड इन कन्फ्रंटेशन विथ इम्पीरियलिज्म। तो देखिए, ये सभी जो कॉलोनाइज स्टेट थे जो कि खुद को इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, वो इंस्पायर हो रहे थे सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी के साथ, वो खुद को एक नेशनल यूनिटी में लाना चाहते थे, और इंपीरियलिज्म के साथ वो विरोध करना चाहते थे। यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वेयर नो वेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो देखिए, यूरोप का जो मॉडल था नेशनलिज्म का, उसको डायरेक्टली फॉलो नहीं किया गया, उसका सभी देशों ने अपना अपना वर्जन क्रिएट किया गया, लेकिन सभी देशों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नेशन स्टेट्स जो हैं वो एक नेचुरल और यूनिवर्सल चीज़ बन गया किसी भी देश का निर्माण करने के लिए। तो देखिए, ये था हमारा चैप्टर, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।